ठीक है। हेलो हेलो हेलो, चलो आई कैन सी पीपल, वेरी नाइस। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या, एक बार बता देंगे मुझे? और मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देती हूँ लिंक टेलीग्राम चैनल में मेरे। और अगर आप जा रहे होगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, उस तब बना लेंगे। ओके, आई कैन सी पीपल, नमस्ते नमस्ते, नाउ इट्स क्लियर। ओके ठीक है, मैंने लिंक फॉरवर्ड कर दिया है। मैं अपने पास पीडीएफ ओपन कर लूँ सो दैट कि मैं आपके क्वेश्चन के सामने आके क्वेश्चन रीड ना करूँ। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट। हंड्रेड प्लस क्वेश्चंस हैं अपने पास आज, हाईवे इंजीनियरिंग डील करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। कलर चेंज कर दूं? परफेक्ट, सी आंसर। ठीक है, चलो राम राम भाई सारे आने। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन, पीपल हु नो मी वेल एंड गुड, पीपल हु डोंट। आई एम तनुजा सिंह परमार एंड वी आर डीलिंग विथ सिविल इंजीनियरिंग, करंटली फोकसिंग ऑन SSC JEE 2023। हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के PYQ देख लिए हैं, सॉइल मैकेनिक्स कर लिया, फ्लूइड मैकेनिक्स कर लिया है, इससे पहले हम लोगों ने स्टील स्ट्रक्चर्स देख लिए, इन्वायरमेंट देख लिया, और आज हाईवे इंजीनियरिंग डिस्कस कर रही हूँ। जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं सारे डील कर लिए। RCC का PDF मेरे पास रेडी है, अभी मुझे स्केड्यूल मिल जाएगा तो इसके बाद मैं 1 आवर के गैप के बाद आपके साथ RCC का भी सेशन कर लूँगी। अगर मुझे स्केड्यूल नहीं मिलता है तो उसका PDF आज आपके पास आ जाएगा, क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। सारे क्वेश्चन के बाद उसके अप्रोप्रिएट आंसर और कोडल प्रोविजन एडेड हैं PDF में, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपके रिविजन के लिए परफेक्ट है वो PDF। सो विल बी डन विथ RCC ऑल्सो, दैट विल बी डन टूडे। सो येस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एवरीवन। विदाउट फर्दर अडू आई विल बी स्टार्टिंग द सेशन। हाईवे सब कुछ जल्दी से रिकॉल कर लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे मुझे मैंने यहाँ ऐड कर दिए। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस और इंफॉर्मेशन इज दैट कि मैंने SSC JEE PYQ जो है, आपके पास जो बुक है मेड इजी की, IAS मास्टर की, उसके क्वेश्चंस यहाँ ऐड नहीं किए हैं। हाँ ऑफकोर्स, दो तीन क्वेश्चंस होंगे, दिख जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, बट मैंने ज़्यादातर आपके पास असाइनमेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और दूसरे एग्जाम DDA के और वेरियस दूसरे एग्जाम्स के, आपके पास HPCL के, IOCL के, ISRO के क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए हैं, सो दैट आपको नए क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि अभी तक आप सब SSC JEE PYQ लगा चुके हैं, सो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट अगैन, राइट? कुछ है यहाँ पे, बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, चलिए आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए और मुझे बता दीजिए क्वेश्चन, मैं यहाँ से रीड करूँगी। ABCD थोड़ा डिले चलेगा, जल्दी जल्दी से आप रिप्लाई कर देंगे। फैन फैन फाइन, चलिए। हैवी फाउंडेशन स्टोन्स आर नॉट एट ऑल नेसेसरी टू बी प्लेस्ड एट द बॉटम लेयर ऑफ रोड विथ सबग्रेड क्रॉस स्लोप ऑफ 1:36, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज दिस कंसेप्ट। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, चैप्टर 1 डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, बताइए। हैवी फाउंडेशन स्टोन्स आर नॉट एट ऑल नेसेसरी टू बी प्लेस्ड, ठीक है, यस उपासना, राइट 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 राइट, शिविन बैरंगी, मस्क, लक्ष्मी प्रिया, अभिषेक, सो गुड दैट आई कैन सी गर्ल्स टुडे, सन्नाथ मकैडम होगा, राइट। देखिए थोड़ा सा रीड अच्छे से करिएगा, बोल दिया है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू बी प्लेस्ड एट द बॉटम लेयर ऑफ द रोड, मकैडम कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि एक एक चीज़ अभी डिस्कस हो, एग्जाम है आपका इन अ वीक, फाइन।
आगे आ जाइए। ये मैंने आपको ऑर्डर बता दिया है, ये मैंने आपको ऑर्डर बता दिया कि किसके बाद कौन सा रोड हमको देखने के लिए मिला था, तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। आपको चार ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ रोड्स हम लोगों ने देखे थे, दैट दोज वेर दी रोमन रोड्स, उसके बाद ट्रेसगेट डिज़ाइन, मेटकाल्फ, टेलफोर्ड, मैकेडम डिज़ाइन, सी बी आर एंड मॉडिफाइड सी बी आर डिज़ाइन आपके पास है। आपको ऑर्डर याद होना चाहिए और इनके बेसिक्स पता होने चाहिए कि किसमें कौन सा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज़ हो रहा है। आगे आ जाइए। मैंने जैसे आपको बोला था कि आपको ये नोट नहीं करना है, ये सब कुछ आपको मेरे पीडीएफ, ये पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सिर्फ एक रफ पेज और एक पेन रखना है, सो दैट कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको रिविजन करने के लिए बोलूँ वो आपको रिविजन करना है, आपको साथ में नोट डाउन करना है। तो अभी आपको रिविजन के लिए सबसे पहली चीज़ जो नोट करनी है वो इनके बारे में, इनका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत देखना है आपको सबका, और ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, स्विचिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला इज प्रिपेयर्ड अज्यूमिंग विच रोड पैटर्न। आपको पता है कि एक 30 ईयर जो प्लान हुआ था आपका, ठीक है, उसमें आपको पता है कि आपको तीन प्लान देखने के लिए मिले थे, है ना, आपको तीन प्लान देखने के लिए मिले थे। एक फर्स्ट 20 ईयर प्लान, फर्स्ट 20 ईयर प्लान एंड देन सेकेंड एंड देन थर्ड, ठीक है, आपको देखने के लिए मिला था। ये जो आपको 2020 ईयर प्लान था, तो जो आपका फर्स्ट 20 ईयर प्लान था, दैट वॉज द नागपुर प्लान। सेकेंड 20 ईयर प्लान वॉज योर बॉम्बे प्लान एंड थर्ड 20 ईयर प्लान वॉज दी लखनऊ प्लान, राइट। आपको सारे ही प्लान्स का क्या पता होना चाहिए, आपको सारे ही प्लान्स का ईयर पता होना चाहिए, आपको सारे ही प्लान्स का रोड पैटर्न पता होना चाहिए, रफ में इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद ईयर पता होना चाहिए, लेंथ पता होना चाहिए कि आपका एम क्या था कंस्ट्रक्शन का, कितना लेंथ आपको कवर करना है। तो आप सबने बताया स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, डी, नहीं 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 सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, राइट, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, वेरी नाइस, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। अगर मैं आपसे दिखाना चाहूँ आपको, तो देखिए ये कौन सा है, ये आपका फर्स्ट 20 ईयर प्लान है, नागपुर रोड प्लान वॉज योर फर्स्ट 20 ईयर प्लान। आपको ईयर भी पता होना चाहिए कि फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर दिस प्लान वॉज प्रपोज्ड, फाइन। ये देखिए यहाँ मैंने लिख दिया आपके लिए, फर्स्ट 20 ईयर प्लान था आपका नागपुर प्लान 1943 से 1963 तक, उसके बाद, बट ये 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया, 1961 में ही कंप्लीट हो गया, प्रपोज्ड था 1943 से 63 तक के लिए, बट 2 साल पहले कंप्लीट हो गया। टोटल लेंथ ऑफ रोड देखिए कितनी कंसिडर की गई थी, आपकी डेंसिटी ऑफ रोड कितनी कंसिडर की गई थी, और पैटर्न क्या था, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न होगा आपके रोड कंस्ट्रक्शन का, फाइन। सेकेंड 20 ईयर प्लान के लिए सेम चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद थर्ड 20 ईयर प्लान के लिए आपको सेम चीज़ पता होनी चाहिए। अभी आपसे नागपुर प्लान पूछा था, हो सकता है क्वेश्चन में बॉम्बे पूछ दे, हो सकता है क्वेश्चन में लखनऊ पूछ दे, यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल्ड रोड, बताइए विच ऑफ द रोड इज मेटल्ड रोड। शिवन ने बोला है सी। क्वेश्चन नंबर थ्री देख रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए। वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, एक बार बताएंगे मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल्ड रोड, ठीक से रीड करिए थोड़ा सा, विच ऑफ दिस इज अ मेटल्ड रोड। देखिए अर्दन रोड तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना, तो चलिए एलिमिनेशन से मैंने एक उड़ा दिया आपके लिए। आप बोल रहे हैं बिटुमिनस रोड, मेटल्ड रोड, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, गड़बड़ हो रहा है। बिटुमिनस रोड मेटल्ड रोड कैसे हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए एक बार। देखिए अभी अभी आपके पास ना, जैसे आपने जो बोला मैं समझ रही हूँ आपने बिटुमिनस रोड क्यों बोला, बट आप सारे ऑप्शंस रीड करिए तो आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन मिल जाएगा, सारे रीड करिए। अगर अनमेटल्ड रोड की बात करूंगी तो अनमेटल्ड रोड कौन से होते हैं, जो मड और ग्रेवल के बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल देंगे अर्दन रोड्स, ठीक है, या आप बोल देंगे WBM रोड्स, ये सारे अनमेटल्ड रोड में आ जाएंगे।
आई बात समझ में? लेकिन जब आप आ जाएंगे मेटल रोड में, तो वो सारे रोड जो बिटुमिन ऑफ कोल से बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए हैं, कंक्रीट से बने हुए हैं, ठीक है, वो सारे आपके हो जाएंगे मेटल्ड रोड. सो सीमेंट कंक्रीट रोड विल बी नोन एज मेटल्ड रोड. ठीक है, क्वेश्चन देखिए, रीड करेंगे ध्यान से. क्वेश्चन रीड करना तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में चारों ऑप्शंस रीड करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप सही एनालिसिस कर पाए. ठीक, आगे मूव करिए. इंडियन रोड कांग्रेस वॉज सेटअप इन द ईयर, इंडियन रोड कांग्रेस वॉज सेटअप इन द ईयर. बताइए, बिल्कुल आप ऑप्शंस देखिए ना, आप ऑप्शंस देखिए. सिविल वर्ल्ड, मस्क करेक्ट, उपासना राइट, लक्ष्मी प्रिया राइट, अभिषेक राइट, इंजीनियर राइट. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है. मुझे ये समझ में आ गया कि आपको ईयर याद है, यानी आपको पूरा ऑर्डर याद है. आपको ये पूरे के पूरे जो आपके पास ऑर्डर्स है ना, आपके डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे फॉर डिफरेंट वेरियस पर्पजेस, टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, ट्रैफिक रूल्स बनाने के लिए, ट्रैफिक रूल्स के बारे में लोगों को समझाने के लिए, विथ ईयर आपको ऑर्डर याद होना चाहिए. रफ पेज में मार्क कर लीजिएगा कि कब किसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, ये पूरा ऑर्डर आपको याद होना चाहिए. पीडीएफ में एडेड नहीं है, मैं आपको पीडीएफ फॉरवर्ड करने से पहले ऐड कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5. द हेडक्वार्टर्स, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस इज लोकेटेड एट. सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं. ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, जल्दी बता दीजिए. फिफ्थ, न्यू दिल्ली. यस उपासना राइट. ठीक है, न्यू दिल्ली. बताइए, अल्टरनेट रूट्स फॉर हाईवे प्रोजेक्ट आर सजेस्टेड बाय द स्टडी ऑफ. अल्टरनेट रूट्स फॉर अ हाईवे, अल्टरनेट रूट्स फॉर अ हाईवे प्रोजेक्ट आर सजेस्टेड बाय द स्टडी ऑफ. देखिए, आपको बाकी तीन ऑप्शंस ना कहीं दिखे ही नहीं, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए एलिमिनेशन के लिए. देखिए, बाकी के तीन ऑप्शंस के बारे में आपने कभी कहीं पढ़ा ही नहीं है. अग्निशेक राइट. अल्टरनेट रूट फॉर अ हाईवे प्रोजेक्ट आर सजेस्टेड बाय द स्टडी ऑफ. अल्टरनेट रूट बना रही हूं मैं, हाईवे कंस्ट्रक्शन कर रही हूं. ठीक है, तो आपने तो ऑर्डर पढ़ा हुआ है ना, ऑर्डर पढ़ा है. अगर इंजीनियरिंग सर्वे का मैं सिर्फ आपसे ऑर्डर के बारे में बात करूं, तो आप क्या बोलेंगे? इंजीनियरिंग सर्वे का ऑर्डर भी कभी अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछना हो तो आपको बहुत आराम से दिखता है, MRPF. ठीक है, MRPF. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज द मैप स्टडी, रिकनाइसेंस, प्रिलिमिनरी स्टडी, फाइनल एंड डिटेल्ड स्टडी. ये ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए. किस चीज का ऑर्डर है? ये आपके इंजीनियरिंग सर्वे का ऑर्डर है ना? ये आपके इंजीनियरिंग सर्वे का ऑर्डर है. यहां पे आपको पता चल गया कि ये टोपोग्राफिक मैप है. बिल्कुल सही. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे. कंसिडर क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रोड फंड, नेशनल हाईवे एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस एंड क्रिएशन ऑफ हाईवे रिसर्च बोर्ड. द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दीजिए मुझे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दीजिए मुझे जल्दी से, कि किसके बाद किसका फॉर्मेशन हुआ था. मैंने आपको बोला था विथ ईयर आपको फॉर्मेशन याद होना चाहिए. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए बिल्कुल मिलेगा. ऑर्डर बता दीजिए मुझे कि किसका फॉर्मेशन कब हुआ था. जगजोत कुमार, आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि अभी PYQ गेट के लिए कब आएगा. अभी तो SSC JEE, RRB JEE, State AE JEE के लिए ही आ रहा है, गेट के लिए तो अभी चीजें प्लान मेरे चैनल पे नहीं है. बताइए, ऑर्डर बताइए, ध्यान से पढ़िएगा, और मुझे थोड़ा ईयर अगर आप बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आई हैव नॉट एडेड ईयर. अगर आप मुझे ईयर बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा. डी, और सिविल वर्ल्ड ने बोला है सी. वापस से देखिए, सी और डी में इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग सी और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डी. प्रिया इंजीनियर एस्पायरेंट ने बोला है सी, जगजोत श्रवणी ने बोला है डी.
लक्ष्मी प्रिया सिविल वर्ल्ड 1324, 1324 बोले तो सी राइट। ये डी वाले लोग थोड़ा सा ऑर्डर एक बार चेक करेंगे, डी वाले लोग सारे एक बार ऑर्डर चेक करेंगे। आप मुझे ईयर बता देंगे क्या? मुझे बता दीजिए, क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रोड फंड के लिए सिर्फ मुझे ईयर दे दीजिए, मुझे ईयर दे दीजिए, मैं भी ऑर्डर देख लेती हूँ। ईयर दे दीजिए मुझे सो दैट आपका रिविजन हो जाए। मुझे सेंट्रल रोड फंड के लिए ईयर दे दीजिए तुरंत। नाइनटीन ट्वेंटी नाइन नेशनल हाईवे एक्ट के लिए दे दीजिए। इंडियन रोड कांग्रेस आपने बोला था 1934, ठीक है मुझे नेशनल हाईवे एक्ट दे दीजिए। नेशनल हाईवे एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स, वेरी नाइस शिवन, वेरी नाइस लक्ष्मी प्रिया। एंड दिस इज 1950, दिस इज 1950। अब आपको ऑर्डर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। वन टू 1956 क्यों कर दिया मैंने? 1950 होना चाहिए, 1950 होना चाहिए। थ्री एंड फोर, आ गई बात समझ में? अब आपको ऑर्डर क्लियरली दिख रहा है। वन थ्री टू, नहीं ये कहाँ ऑर्डर हो रहा है, कैसी बात कर रहे हो? सॉरी 56 होगा। जल्दी बताइए, इतना टाइम तो इस क्वेश्चन में जाना ही नहीं चाहिए था। ये तो आपके टिप्स में होना जरूरी है ना, ये तो आपको टिप्स में पता होना चाहिए। जल्दी बताइए, सेकेंड दीजिएगा मुझे, मैं मेरा पीडीएफ चालू कर रही हूँ। कोई बात नहीं, हाँ बताइए ऑर्डर, बताइए ऑर्डर, बताइए मुझे, बताइए कौन सा सही होगा। आपने बोला मुझे सी, वन इज करेक्ट, यस। थ्री फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस करेक्ट। एंड देन टू, ये देखिए ऑर्डर गड़बड़ा रहा है मेरा। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 बोला आपने और क्रिएशन ऑफ हाईवे रिसर्च बोर्ड आपने 50 बोला, तो ये तो 42 होना चाहिए था। 13 इज तो करेक्ट, 13 इज करेक्ट, 24 कैसे होगा? 42 होना चाहिए फिर तो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चाहिए मुझे। आपने नेशनल हाईवे एक्ट 1956 बोला है, नेशनल हाईवे एक्ट इज 1956, रिकॉल करिए और जल्दी बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड करते जाइएगा। रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट दीजिएगा मुझे, नीचे होंगे। हाँ बताइए, हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973, हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973। अच्छा
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है इसके हिसाब से। तो फिर मोटर व्हीकल एक्ट पहुंचा होगा 1939। अच्छा मुझे बताइए आप, द सेमी ऑफिशियल बॉडी सेटअप फॉर द कंट्रोलिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रोड एंड ब्रिजेस। मैंने आपको बोला कि सबके बारे में आपको स्पेसिफिकेशंस पता होने चाहिए, सबके बारे में आपको स्पेसिफिकेशंस पता होने चाहिए, है ना? द सेमी ऑफिशियल बॉडी सेटअप फॉर कंट्रोलिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रोड एंड ब्रिजेस इन इंडिया, इंडियन रोड कांग्रेस, यही काम था ही, दिस इज द रीजन दे वर फॉर्मड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर थर्ड 20 ईयर प्लान। लखनऊ के लिए बात हो रही है आपसे, लेंथ पूछा है नेशनल हाईवे का, थर्ड 20 ईयर प्लान है, थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए। थर्ड 20 ईयर प्लान के हिसाब से पूछ रही हूँ, और आपको अगर मुझे दिखाना हो क्या वो शीट में, तो आपको सब अवेलेबल होगा ही जहाँ पे मैंने आपको 3 20 ईयर प्लान दिए हैं, बट आप मुझे बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, यस करेक्ट, एरिया ऑफ कंट्री बाय 50, एरिया ऑफ कंट्री बाय 50, वेरी नाइस। आइए, नागपुर रोड प्लान वॉज रिकमेंडेड। अच्छा, नागपुर रोड प्लान पता है हम लोगों ने देखा ना अभी, स्टार एंड ग्रिड नागपुर रोड प्लान के लिए देख लिया था हम लोगों ने। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रिकमेंडेड कैम्बर फॉर वाटर बाउंड मैकेडम। देखिए रीड सही करिए, रिकमेंडेड कैम्बर फॉर वाटर बाउंड मैकेडम बोल रहा है, ठीक है, तो आपसे ये फीचर चेंज किया जा सकता है कैम्बर के लिए। अभी WBM के लिए बात कर रही हूँ, तो मुझे दे दीजिए जल्दी से, WBM के लिए बात कर रही हूँ, जल्दी से दे दीजिए। 11th क्वेश्चन, वाटर बाउंड मैकेडम बी, राइट शिविन, राइट अभिषेक, बी होगा। ये देखिए 1 in 33 to 1 in 40, 1 in 33 to 1 in 40, कैम्बर के लिए आपको लाइट रेनफॉल हैवी रेनफॉल दोनों के लिए ही आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर आपसे सीमेंट कंक्रीट के लिए पूछ ले, थिन बिटुमिनस के लिए पूछ ले, WBM या ग्रेवल पेवमेंट के लिए पूछ ले, या अर्दन रोड्स के लिए पूछ ले, चारों के लिए ही आपको हैवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल के लिए चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी आपको क्वेश्चन में क्या आज था, आपसे क्वेश्चन है अभी वाटर बाउंड मैकेडम याद आज था, यानी कि आपसे ऑप्शन नंबर 3 पूछा गया था। देखिए कहाँ से कहाँ रेंज कर रहा है, 1 in 33 से 1 in 40 तक रेंज कर रहा है, लाइट रेनफॉल और हैवी रेनफॉल दोनों के लिए बात करेंगे। कैम्बर क्यों यूज़ करते थे, कैम्बर बहुत ही अच्छे ड्रेनेज के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ कैम्बर, ठीक है। तो आपको पता हैवी रेनफॉल में आपने जो कैम्बर की वैल्यू है वो देखिए कितनी दी है, और लाइट रेनफॉल में देखिए आपने कैम्बर की वैल्यू कितनी दी है, जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके हिसाब से आपके कैम्बर की वैल्यूज वेरी करते जाएंगी। आपने देखिए जैसे जैसे आपका सीमेंट कंक्रीट ये सब बेटर मटेरियल्स हैं, यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, और जैसे जैसे आपका डिग्रेड होगा टाइप ऑफ मटेरियल, तो आपके जो वैल्यूज हैं कैम्बर की वो डिक्रीज होते जाएंगी, फाइन, रेशियो डिक्रीज होते जाएगा, ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज प्रोपोर्शनल टू। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए मुझे, जल्दी बता दीजिए। PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज सून एज द वीडियो एंड्स। रेशियो डिक्रीज हो रहा है, कैम्बर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। राइट, WV² / GR, ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब देखिए वहां पे हमने बिटुमिनस के लिए देखा था, यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए देख रही हूँ, वहां पे वाटर बाउंड मैकेडम के लिए देखा था शायद, है ना, वहां पे WBM के लिए देखा था, यहाँ पे सीमेंट रोड के लिए बात कर रही हूँ आपसे, तो यहाँ पे मुझे कैम्बर बता दीजिए लाइट रेनफॉल से हैवी रेनफॉल के लिए। अभी टेबल देखा है हम लोगों ने,
13th पूछ रही हूँ। राइट अभिषेक, राइट संजू कुमारी, राइट राहिल शेख। 1 in 52, 1 in 60, लाइट रेनफॉल से हैवी रेनफॉल। आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व फॉर अ समिट कर्व 14 बताइए। आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व फॉर द समिट कर्व, समिट कर्व के लिए आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व बताइए जल्दी से। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दिस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एस एस सी जेई। 15th बताइए, 15th। वेरी गुड शिवेन, स्पाइरल नहीं है अक्रम, स्पाइरल नहीं है। नो प्रिया सॉरी, राइट लक्ष्मी प्रिया, राइट राइट संजू कुमारी, राइट राहिल, राइट शिवेन। बिल्कुल सर्कुलर होगा। देखिए किसके लिए बात हो रही है, समिट कर्व के लिए बात होगी तो सर्कुलर होगा। समिट की जगह अगर आपसे वैली दे दिया तो क्यूबिक पैराबोला आइडियल कर्व होगा, क्यूबिक पैराबोला आइडियल कर्व होगा। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दोनों के लिए चीजें आपको पता होनी चाहिए। फाइन आ जाइए, समिट कर्व के लिए आइडियल आपके लिए सर्कुलर होता है, और अगर आप वैली कर्व के लिए बात करोगे तो आपके लिए आइडियल क्यूबिक पैराबोला होता है। आगे मूव करिए। फॉर अ व्हीकल विद स्पीड वी मीटर पर सेकेंड ऑन अ रोड सर्फेस विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ब्रेकिंग डिस्टेंस चाहिए मुझे, ब्रेकिंग डिस्टेंस चाहिए। थोड़ा सा अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करिए, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, याद करके फॉर्मूला दे दीजिए मुझे तुरंत। लैग डिस्टेंस मैं लिख दे रही हूँ आपके लिए वी इंटू टी प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस दे दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 15th। सारे ऑप्शन सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक से रीड करिएगा। राइट, आपसे आपको एफिशिएंसी की बात नहीं की गई है, आपसे स्लोप लोप की बात कुछ नहीं की गई है, एफिशिएंसी की बात नहीं है, इसलिए ईटा आपको नहीं दिख रहा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको पता है सिंपली वी स्क्वायर बाई टू जी एफ होगा, ठीक है, टू जी एफ होगा। वही अगर आपके लिए अपवर्ड ग्रेडियंट डाउनवर्ड ग्रेडियंट की बात होगी तो प्लस माइनस ग्रेडियंट भी कर लेंगे, एफिशिएंसी की बात होगी तो एफिशिएंसी का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो फॉर्मूला उस हिसाब से आप ध्यान दे देंगे, ठीक है। अभी आपको ऑप्शंस में दिख रहा है कि इनकी इनके बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो बेसिक फॉर्मूला लेके चलते हैं वी स्क्वायर बाई टू जी एफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए। एज पर आई आर सी रिकमेंडेशन द रूलिंग ग्रेडियंट फॉर अ प्लेन टेरेन, देखिए टेरेन पे भी डिपेंड करेगा और जो आपका ग्रेडियंट है रूलिंग है कि एक्सेप्शनल है कि लिमिटिंग है ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ आपसे बात की गई है रूलिंग ग्रेडियंट के लिए, क्वेश्चन रीड बहुत अच्छे से करना है, और प्लेन टेरेन की बात हुई है, प्लेन टेरेन की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 अभिषेक नहीं, बी नहीं होगा। राइट लक्ष्मी प्रिया, सिविल वर्ल्ड नहीं, गलत हो गया सिविल वर्ल्ड। राइट संजू कुमारी, गौरव चंद्रा आई डोंट थिंक सो, गलत है। क्वेश्चन ठीक से रीड करिए, क्वेश्चन ठीक से रीड करिए प्लीज। राइट, 1 in 30 इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास पूरा का पूरा टेबल अवेलेबल होगा, टेबल रीड करिएगा आपको समझ में आ जाएगा। फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, देखिए आपको पता है अगर फॉर्मूला लिखूं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, 17th बता दीजिएगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला लिखूं आपके सामने, एस एस डी इज इक्वल टू वी इंटू टी, दैट इज वी इज द स्पीड, टी इज द रिएक्शन टाइम, प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी एफ। और यहाँ पे आपको किसकी बात की जा रही है, एफिशियंसी ऑफ ब्रेक भी होगा, प्लस माइनस जो आपका क्या होता है ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे देखिए टोटल रिएक्शन ऑफ टाइम ऑफ ड्राइवर, हाँ बिल्कुल डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ व्हीकल डिपेंड करता है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स पे भी डिपेंड करता है। राइट, तो सब पे डिपेंड कर रहा है, यानी आपको पता है कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल देखिए सबके लिए, मैंने वहां आपको रेशियो में क्वेश्चन था, मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई हैं,
टेरेन देखिए अलग अलग हो सकता है, प्लेन के लिए पूछेगा आपसे या रोलिंग के लिए पूछेगा, हिली टेरेन पूछेगा या स्टीप पूछेगा। ग्रेडियंट आपके पास तीन हो सकते हैं, रूलिंग, लिमिटिंग या एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। सबकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, कोई भी टेरेन के लिए कोई भी ग्रेडियंट की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। यू नीड टू रिमेंबर दिस टेबल वेरी थरली, ठीक है? आ जाइए। विथ ऑफ कैरियज वे फॉर अ सिंगल लेन इज रिकमेंडेड टू बी, विथ ऑफ कैरियज वे पूछा है मेरे से सिंगल लेन के लिए। अब देखिए डबल लेन भी पूछ सकता है, सिंगल लेन विथ रेज्ड कर्व पूछ सकता है, डबल लेन विथ रेज्ड कर्व पूछ सकता है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस काफी हैं। अभी रीड करिए 18th, विथ ऑफ कैरियज वे फॉर अ सिंगल लेन, सिर्फ इतनी बात की गई है आपसे। राइट डी के डी, सिविल वर्ल्ड करेक्ट, संजू कुमारी राइट, राइट राहेल, सौम्या, एवरीबडी करेक्ट, फाइन। ये देखिए सिंगल लेन रोड के बारे में बात करी जाएगी, विथ इन कैरियज वे मीटर में बात कर रही हूँ 3.75, टू लेन विदाउट रेज्ड कर्व 7, विथ रेज्ड कर्व 7.5, इंटरमीडिएट कैरियज वे 5.5, मल्टी लेन पेवमेंट 3.5 पर लेन। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19, द शेप ऑफ द कैम्बर बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए बेस्ट बता दीजिए, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए। स्ट्रेट लाइन सिविल वर्ल्ड ने बोल दिया है, राइट राइट करेक्ट सिविल वर्ल्ड। डीके डी करेक्ट। देखिए अगर आपसे पूछा जाए सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए तो स्ट्रेट लाइन बोलिएगा, अगर आपसे बिटुमिनस पेवमेंट के लिए पूछा जाए, बिटुमिनस पेवमेंट के लिए पूछा जाए, तो आप बेस्ट सूटेड शेप ऑफ कैम्बर बताएंगे, पैराबोलिक, पैराबोलिक, फाइन। यहां पे टिक कर देती हूँ आपके लिए, स्ट्रेट लाइन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में स्विच करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड टू द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व इज नोन एज, इमेज फॉर्म हो जानी चाहिए आपके सामने, इमेज फॉर्म हो जानी चाहिए आपके सामने। क्या ये वैल्यू पूछी जा रही है कि आपसे द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड, यही दिख रहा है मुझे लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ लॉन्ग कॉर्ड ये दिख रहा है ओ से लेके मिड पॉइंट ऑफ द कर्व पी, ओपी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, ओपी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं जल्दी बता दीजिए। श्रावणी डी के डी, लक्ष्मी प्रिया, आदित्य कुमार मिश्रा, संजू कुमार, वेरी संजू कुमारी, श्रावणी, वेरी नाइस वेरी नाइस। मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं। आपको दिखा भी देती हूँ थोड़ा सा कि ये कर्व दिखेगा कैसे। ये देखिए ऐसा दिखेगा आपके लिए, ये है आपका लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड और ये है आपका लेंथ ऑफ कर्व। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है, इसको बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट। आ गई बात समझ में, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये थोड़ा सा मैप को एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है, रीड कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट टेंजेंट का ये जो इनिशियल पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, एंड टेंजेंट का जो इनिशियल पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, तो ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए अपन को, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड कर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द क्राउन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द एजेस टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे ऑफ कंक्रीट पेवमेंट ऑफ विथ 7 एंड अ वेरी हैवी रेनफॉल, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखिए आपको क्या क्या रीड करना है, यहाँ पे मुझे चाहिए हाइट ऑफ क्राउन, हाइट ऑफ क्राउन चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है, पेन पेपर निकाल लीजिए, हाइट ऑफ क्राउन चाहिए। अगर हाइट ऑफ क्राउन चाहिए तो फॉर्मूले में आपको पता है कि आपको एन की वैल्यू चाहिए, एन का मतलब केम्बर होता है, केम्बर की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, केम्बर की वैल्यू आप खुद निकालेंगे, कंक्रीट पेवमेंट है, हैवी रेनफॉल है, कंक्रीट पेवमेंट हैवी रेनफॉल के लिए केम्बर दे दीजिए मुझे, कंक्रीट पेवमेंट एंड हैवी रेनफॉल के लिए मुझे आप केम्बर की वैल्यू दे दो। वॉइस में कोई इशू आ रहा है क्या, एक मिनट मैं बैटरी चेंज कर ले रही हूँ, एक मिनट दीजिए आप सॉल्व करते रहिए।
ऑडिबल हूँ क्या बताइएगा, अभी ऑडिबल हूँ क्या? देखिए केम्बर की वैल्यू मैं आपको दे देती हूँ, कंक्रीट पेवमेंट और हैवी रेनफॉल के लिए इट विल बी 1 in 50 होगा, ये बात तो पता चल गई हम लोगों को। हैवी रेनफॉल है, कंक्रीट पेवमेंट है, कैम्बर की वैल्यू 1 in 50, और विड्थ ऑफ रोड आपको दिया हुआ है। कितना दिया है आपको विड्थ ऑफ रोड? विड्थ ऑफ पेवमेंट आपको गिवन है 7 मीटर, ठीक है। मुझे चाहिए हाइट ऑफ क्राउन, बताइए क्या फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ क्राउन का? हाइट ऑफ क्राउन का फॉर्मूला बता पाएंगे क्या? फॉर्मूला बता दीजिए मुझे। वाई बाई टू एन बोले तो डब्ल्यू बाई टू एन है ना, हाइट ऑफ क्राउन के लिए डब्ल्यू बाई टू एन, ठीक है। क्या है वैल्यू? 7 × 10³ अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 50, क्या आ रही है वैल्यू बता पाएंगे क्या? बताइए, ऑप्शंस देख लीजिए, सॉल्व करके मुझे दे दीजिए जल्दी से। मुझे एक्चुअली यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, 7 × 10³ करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट ही कर दूंगी × 50। बताइए दिख रहा है क्या अपन को? ठीक है आ जाइए। आगे मूव करें, ठीक है आ जाइए। 22 पे आ जाइए। अ टू लेन रोड विथ अ डिजाइन स्पीड ऑफ 80 km/h हैज अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर, व्हाट इज द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन? मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए बोला है, ध्यान से पढ़िएगा, मिक्स्ड ट्रैफिक बोल दिया है आपको, आपसे पूछा गया है व्हाट इज रेट ऑफ एलिवेशन, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन की बात की गई है। अगर रेट ऑफ, इसको रब कर रही हूँ, फाइन, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन की बात की गई है, यानी ई प्लस एफ से रिलेटेड कोई फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जल्दी से पुट डाउन करिए फॉर्मूलाज और वैल्यूज देखिए। ई प्लस एफ रेट ऑफ सुपर एलिवेशन लिख दूँ फॉर्मूला अगर नहीं याद आ रहा है तो? वी स्क्वायर अपॉन 2gr, मैं आपसे बात कर रही हूँ किसके लिए? मैं आपसे बात कर रही हूँ मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए। मिक्स ट्रैफिक के लिए आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाता था? क्या आपको मिक्स ट्रैफिक के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू हमने 0 ली हुई थी, क्या याद आ रहा है? कुछ पढ़े हुआ ऐसा कहीं पे भी? मैंने आपको हाईवे नहीं पढ़ाया है यूट्यूब पे, बट आपने रिस्पेक्टिवली जहां से पढ़ा होगा ये बात याद है ना, मिक्स्ड ट्रैफिक की बात हो रही है। मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए बात करूंगी जब भी, तो आपको पता है कि आपको क्या लेना होगा, डिजाइन स्पीड भी आपको 75% ऑफ द स्पीड लेना होगा। ये जो वी की भी वैल्यू वो भी चेंज हो जाएगी, 0.75 टाइम्स हो जाएगा, याद आ रहा है? अगर आपको ये सारी वैल्यूज इतना तामझाम नहीं याद करना है, अगर डायरेक्टली आपको बोलूं याद करने के लिए तो कुछ याद आएगा? अगर मैं मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए बोलती हूँ तो आपको तो यहां से पता हो जाना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 0.75 टाइम्स वी डालूं अगर, और सारी वैल्यूज अगर पुट डाउन करूं, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी वी स्क्वायर अपॉन 225 टाइम्स आर। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए? मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए, ठीक है। अगर ये मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए बन जाता है तो आपको सारी वैल्यूज गिवन है। आपको क्या वी की वैल्यू गिवन है? हाँ, आपको वी की वैल्यू 80 km/h गिवन है। क्या आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है? हाँ, आपको रेडियस की वैल्यू 500 मीटर्स गिवन है। आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आप पुट डाउन करके क्या ई की वैल्यू निकाल सकते हैं? सबने बोला है 0.057 सी इज द करेक्ट ऑप्शन,
वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो सी करेक्ट ऑप्शन आ रहा है या ए करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, एक बार बता देंगे मुझे सॉल्व करके? आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर हियर, आप बता दीजिए, मैं आपके साथ सॉल्व करती हूँ। मेरे पास आंसर नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ पे आपके पास पीडीएफ में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप ही सॉल्व करके बता दीजिए मुझे क्या होगा वैल्यू। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके 0.057, ठीक है आगे मूव करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 रीड करिएगा। फॉर अ कंफर्टेबल ट्रैवल ऑन हाईवे द सेंट्रिफ्यूगल रेशियो शुड नॉट एक्सीड, बताइए। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बताइए मुझे। कंफर्टेबल ट्रैवल चाहिए मुझे, सेंट्रिफ्यूगल रेशियो कितना होगा, हाईवे पे बात कर रही हूँ, हाईवे पे बात कर रही हूँ तो बताइए मुझे। नहीं 0.15 नहीं होगा वाशु, 0.15 नहीं होगा। राइट साक्षी, राइट राहिल, 0.25 इज दी सेंट्रिफ्यूगल रेशियो, कंफर्टेबल ट्रैवल के लिए चाहिए आपको हाईवे में। और ये तो हाईवे के लिए बात कर ली मैंने, अगर यही क्वेश्चन आपसे रेलवे पूछ लेता तो, अगर यही क्वेश्चन आपसे रेलवे पूछ लेता तो कि कंफर्टेबल ट्रैवल रेलवे के लिए चाहिए तो क्या बताएंगे? रेलवे के लिए अगर पूछ लेता तो क्या होगा? 0.125 होगा, याद रख लीजिएगा, कहीं मार्क कर लीजिए, ठीक है। हाईवे के लिए 0.25 है। चलिए 24th क्वेश्चन। अ कर्व विच कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर आर्क ऑफ सेम और डिफरेंट रेडियाई हैविंग देयर सेंटर्स एट डिफरेंट साइड्स ऑफ अ कॉमन टेंजेंट इज कॉल्ड, सारे ही आपके फिगर्स को रिकॉल करिए और मुझे बता दीजिए जल्दी। 24th क्वेश्चन रीड करिए। देयर सेंटर्स टू द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट, डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन टेंजेंट, राइट डी के डी, बिल्कुल रिवर्स कर्व बोलते हैं उसको। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25th में। वॉट इज द विथ ऑफ कैरियज वे टू बी अडॉप्टेड टू लेन विथ रेज्ड कर्व, टू लेन विथ रेज्ड कर्व बोल दिया, 7.5 मीटर होगा, पहले देख लिए हैं। द हाइएस्ट पॉइंट इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कर्व्ड रोड सर्फेस कॉमनली एट और नियर द सेंटर ऑफ द लाइन, आपको ऑलरेडी पता है, तुरंत बता दीजिए। 26th तुरंत बता दीजिए, 26th जल्दी। एग्जैक्टली टॉप पॉइंट पूछ रहा है आपसे, आपको पता है कि क्राउन बोलते हैं हम उसको, है ना, क्राउन बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाइए 27th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100 मीट्स एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 120 टू फॉर्म अ वैली कर्व, अच्छे से रीड करिए। अ फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 25 मीट्स अ फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50 टू फॉर्म अ वैली कर्व, द लेंथ ऑफ वैली कर्व इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट, टू क्वेश्चन नंबर 27 रीड करिए जल्दी। रीड करिए और हर स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से रीड करिएगा। द लेंथ ऑफ वैली कर्व इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस एलिमिनेशन रूल से, मुझे ये तो पता है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ये तो सही है ना, ये तो करेक्ट है, ये मुझे पता है। आप मुझे फर्स्ट और सेकेंड रीड करिए, अब देखो ऑल करेक्ट भी हो सकता है, आई एम वेरी श्योर कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा क्योंकि आपको 3 तो आना ही चाहिए, राइट। अब रीड करिए फर्स्ट और सेकेंड और बता दीजिए मुझे।
नहीं, डीकेडी वापस से रीड करिए एक बार क्वेश्चन, फिर से बता रही हूँ स्टेटमेंट रीड करिए। एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100 मीट्स एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 122 मीट अ वैली कर्व, या अ फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 25 मीट्स अ फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50 टू फॉर्म अ वैली कर्व, बताइए। वैली कर्व की बात हो रही है, वैली कर्व में आप असेंडिंग ग्रेडियंट की बात करोगे या आप फॉलिंग ग्रेडियंट की बात करोगे? इतनी छोटी सी बात है, सोचो ना, इतनी सिंपल सी बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वैली कर्व, और फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 25 मीट्स अ फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50 टू फॉर्म अ वैली कर्व। फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, वैली कर्व की बात कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज अबाउट अ समिट कर्व, ठीक है, फर्स्ट तो समिट कर्व के बारे में बात कर रहा है। एन असेंडिंग ग्रेडियंट इज मीटिंग एन असेंडिंग ग्रेडियंट, यहाँ अ फॉलिंग ग्रेडियंट इज मीटिंग अ फॉलिंग ग्रेडियंट। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 28। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 50 km/h इन 2 लेन रोड इज डैश मीटर इफ द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर एंड कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज 0.38। ओके, आपसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा गया है, फॉर्मूलाज पुट डाउन करके मुझे वैल्यूज दे दीजिएगा, सॉल्व करके फॉर्मूला पुट डाउन करके वैल्यूज दे दीजिएगा। आई डोंट थिंक कि मेरी ज़रूरत है यहाँ पे। कैन आई मूव अहेड? कोई ऐसा बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चन नहीं है, आई डोंट थिंक यू नीड मी फॉर दिस। आगे मूव कर रही हूँ, ठीक है, आगे मूव कर रही हूँ, आप वैल्यू पुट डाउन करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन अ हाईवे आर प्रोवाइडेड टू गिव, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल कर्व हाईवेज पे क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका बेसिक मोटिव क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर हाई स्पीड ऑफ व्हीकल, कर्व में तो व्हीकल की स्पीड कम हो जाती है तो फर्स्ट ऑप्शन तो है ही नहीं। रेस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ व्हीकल, उसकी वजह से क्या मैं स्पीड को कम करती हूँ? स्पीड कम होगी कर्व पे थोड़ी, बट क्या ये मेरा मोटिव है? नहीं, ये मेरा पर्पस थोड़ी है। अगर मुझे स्पीड कम करनी होती तो मैं वहाँ स्पीड ब्रेकर दे देती, राइट? ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के चेंज के लिए कर्व नहीं देते हैं हम, है ना? आपको पता है कि अगर आपको चेंज करना हो डायरेक्शन ग्रेजुअली, ठीक है, अब्रप्ट तो कर नहीं सकते हैं, बहुत एक्सीडेंट्स होंगे, ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन करना हो तो मैं हॉरिजॉन्टल कर्व दूंगी हाईवे पे, फाइन। आइए 29th हो गया, 30, राइट साक्षी, राइट अभिषेक, 30th आ जाइए। द आउटर एज ऑफ अ हाईवे आर स्लाइटली एलिवेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज इज कॉल्ड एज, ये बोल रहा है आपसे, आउटर एज ऑफ द हाईवे आर स्लाइटली एलिवेटेड देन द इनर एज, ये क्या है बता दो मुझे। एलिवेटर जैसा कुछ नहीं पढ़ा है आपने, स्पीड ब्रेकर में आउटर इनर का कोई लेना देना नहीं है, राइजर के बारे में भी आप ये कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप बता दीजिए कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, राइट राहिल, राइट साक्षी कुमारी, एस्पायरेंट, करेक्ट, राइट अभिषेक, इट इज सुपर एलिवेशन। चलिए आगे मूव करिए। इन अर्बन एरिया व्हेन द वॉल्यूम ऑफ साइकिल ट्रैफिक इज हाई मिनिमम विड्थ प्रोवाइडेड फॉर साइकिल ट्रैक इज, हाईवे में बात कर रहे हैं बट साइकिल ट्रैक का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए बताइए 31, मिनिमम विड्थ क्या देंगे आप साइकिल ट्रैक के लिए अर्बन एरियाज में, पूछ रहा है आपसे अर्बन एरिया में। राइट प्रतीक, यस राहिल, राइट डीकेडी, राइट 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 करेक्ट, 2 मीटर देंगे आप क्या मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ प्रोवाइडेड फॉर साइकिल ट्रैक 2 मीटर, यस 2 मीटर बहुत रहेगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, आपने वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन देखी हुई है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए दे दीजिए, राइट प्रतीक, राइट साक्षी, करेक्ट, बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन किसके लिए बोल रही हूँ, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए बोल रही हूँ, देखा है हम लोगों ने। राइट, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करती हूँ।
प्राइमरी एम फॉर प्रोवाइडिंग कैम्बर, आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे आपसे डिस्कशन करना चाहिए। कैम्बर की बात जहाँ पे भी आ जाएगी आपको पता होना चाहिए कि पर्पज़ उसका सिर्फ और सिर्फ ड्रेनेज होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बता दीजिए, द विथ ऑफ शोल्डर कॉमनली अडॉप्टेड फॉर टू लेन रोड्स इन इंडिया, विथ ऑफ शोल्डर चाहिए मुझे टू लेन रोड के लिए, क्वेश्चन नंबर 34। ये बताइए, 33 मुझे नहीं चाहिए आपसे, 34th बताइए मुझे। साक्षी कुमारी ने बोला है बी, किसके लिए बोला है बी? अच्छा 33 के बोला है, 35, 35th नहीं सॉरी 34th, 34th बताइएगा मुझे। द विड्थ ऑफ शोल्डर कॉमनली अडॉप्टेड फॉर अ टू लेन रोड इन इंडिया इज, राहुल गौतम 2.5, डी के डी ने बोला है डी, नहीं गलत हो गया है, निरुपमा राइट, एस्पायरेंट नो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 34 वापस से रीड कर लीजिएगा एक बार, मैं बोल रही हूँ आपसे विड्थ ऑफ शोल्डर किसके लिए बात कर रही हूँ, टू लेन रोड के लिए, 2.5 मीटर इज द विड्थ ऑफ शोल्डर। आगे मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, द कैम्बर ऑफ शोल्डर इन वाटर बाउंड मैकेडम रोड इज, क्वेश्चन रीड करिए, सारे ऑप्शंस रीड करिए, एलिमिनेट कर दीजिए जो आपको नहीं समझ में आता है, आई मीन जो आपको समझ में आ जाता है कि इज नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, द कैम्बर ऑफ शोल्डर इन वाटर बाउंड मैकेडम इज, थोड़ा भी डिटेल में पढ़े होंगे तो बिल्कुल याद आ जाएगा, इट इज नेवर जीरो, तो ये तो आपको पता चल गया, उड़ा दीजिए। ग्रेटर देन द क्रॉस स्लोप ऑफ पेवमेंट, स्मॉल लेस देन द क्रॉस स्लोप ऑफ पेवमेंट, इक्वल टू द क्रॉस स्लोप ऑफ पेवमेंट, बताइए। नो राहिल, कैम्बर ऑफ शोल्डर इन वाटर बाउंड मैकेडम की बात होगी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रॉस स्लोप ऑफ द पेवमेंट, वाटर बाउंड मैकेडम की बात हो रही है, इट इज ग्रेटर, इट इज इक्वल टू द क्रॉस स्लोप ऑफ पेवमेंट। आगे आइए, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द क्राउन एंड द एज ऑफ द रोड सरफेस, क्या बोलेंगे इसको, कैम्बर बोलते हैं क्या, या इसी को क्रॉस फॉल बोलते हैं, या इसी को क्रॉस स्लोप बोलते हैं, या ऑल ऑफ दीज, बताइए। द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द क्राउन एंड द एज ऑफ द रोड सरफेस इज नोन एज, अब देखिए सारे ऑप्शंस ना क्लियरली रीड करिए एक बार, ठीक है, सारे ऑप्शंस क्लियरली रीड करिए और उसके बाद गेट डाउन टू अ करेक्ट ऑप्शन। सी केम्बर, अच्छा सारे रीड कर लीजिए एक बार, देखिए स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द क्राउन एंड द एज ऑफ द रोड सरफेस के बारे में अगर बात हो रही है, क्राउन एंड एज ऑफ द रोड सरफेस के बारे में बात हो रही है, तो देखिए केम्बर भी बोलते हैं उसको, क्रॉस फॉल भी बोलेंगे उसको, क्रॉस स्लोप भी बोलेंगे, दैट्स वाई इट इज ऑल ऑफ द अबव, इट इज ऑल ऑफ द अबव, फाइन। द कैम्बर एंड ग्रेडियंट ऑन अर्दन रोड्स पूछा है, शुड नॉट बी मोर देन, अर्दन रोड की बात हो रही है, जल्दी बता दीजिए मुझे, क्वेश्चन नंबर 37th, अर्दन रोड, आप बी बोल रहे हैं या डी बोल रहे हैं, मुझे जल्दी बता दीजिए, फाइनल, सी इज ऑल्सो इन द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37th पूछ रही हूँ आपसे, क्वेश्चन नंबर 37th पूछ रही हूँ आपसे, जल्दी बता देंगे। अर्दन रोड्स 1 इन
20। आगे मूव करिए, लिमिटिंग ग्रेडियंट इन माउंटेनियस टेरेन पूछ रही हूँ। पहले देख लीजिए आपसे लिमिटिंग ग्रेडियंट पूछ रहा है या रूलिंग ग्रेडियंट पूछ रहा है, और आप देख लीजिए टेरेन कौन सा है, हिली टेरेन है या आपसे रोलिंग टेरेन है, प्लेन टेरेन है, स्टीप टेरेन है, क्या है। तो माउंटेनियस टेरेन के लिए मुझे लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू दीजिए एज सून एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39। द सुपर एलिवेशन इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। द सुपर एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द पेवमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द पेवमेंट। ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2gr, ये लिखा था मैंने आपके लिए। तो सुपर एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। 40th आ जाते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 40 रीड करिए मेरे लिए। द मिनिमम लेंथ ऑफ वैली कर्व शुड बी सच दैट हेडलाइट बीम साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू। रीड करिए वापस से। द मिनिमम लेंथ ऑफ अ वैली कर्व शुड बी सच दैट द हेडलाइट बीम साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 40 देखते ही, रीड करते ही आपको पता चल जाएगा। स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, अगर स्क्वायर बोला होता तो हम डेफिनेटली करते, वहाँ स्क्वायर क्यूब इसकी बात नहीं की गई थी, सिर्फ डायरेक्टली या इनवर्सली पूछा था, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी कर दिया है। अटक अटक की आवाज़ आ रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? यस राहिल करेक्ट, बिल्कुल। मिनिमम लेंथ ऑफ वैली कर्व शुड बी सच दैट हेडलाइट बीम साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एस एस डी। विथ ऑफ कैरियज वे फॉर अ मल्टी लेन, अच्छा विथ ऑफ द कैरियज वे फॉर अ मल्टी लेन रिकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस, जल्दी बता दीजिए। 41 जल्दी बताइए। थ्री पॉइंट फाइव पर लेन, वेरी नाइस। आ जाइए, मल्टी लेन की बात की गई थी, ठीक है, इसलिए आपने 3.5 ले लिया, हमारे पास पूरी शीट है। द डिप्रेशन बिटवीन समिट इज कॉल्ड एज, डिप्रेशन बिटवीन समिट पूछा है, बताइए। यस सिविल वर्ल्ड। ए किसके लिए आ रहा है? हॉरिजॉन्टल क्लिफ नहीं बोलते हैं, रीड करिए क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से। मैंने बोला डिप्रेशन बिटवीन समिट्स इज नोन एज सैडल, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। वाइल अलाइनिंग अ हिल रोड विथ अ रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ, रूलिंग ग्रेडियंट आपके पास गिवन है, रूलिंग ग्रेडियंट आपके पास कितना गिवन है? 6%। अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस, रेडियस का कर्व है 60 मीटर, फाइंड द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। देखिए ग्रेट कंपनसेशन होता ही नहीं अगर आपका ग्रेडियंट का जो वैल्यू है वो 4 या 4 से कम होता, बट यहाँ ग्रेडियंट की वैल्यू 6% है और डेफिनेटली कंपनसेटेड ग्रेडियंट आएगा। कंपनसेटेड ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, यानी कि ग्रेड कंपनसेशन जो आप करेंगे, कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो करेंगे वो ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन होगा, है ना? हमको क्या चाहिए? कंपनसेटेड ग्रेडियंट चाहिए। विच इज इक्वल टू ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, फाइन। ग्रेडियंट की वैल्यू 6% ऑलरेडी गिवन है, ग्रेड कंपनसेशन कैसे निकलेगा बता पाएंगे क्या मुझे?
देखिए यहाँ कैलसी की जरूरत नहीं है, सो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक दिस. बताइए. ग्रेट कंपनसेशन 30+R बाय आर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/R. यही तो लेके चलते हैं ना अपन. तो आपको आर की वैल्यू कितनी गिवन है? आपको आर की वैल्यू 60 मीटर्स गिवन है. 30+60/60 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 बाय सॉरी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/60. क्या वैल्यू आ रही है बताइए. जीसी की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करके बता दीजिए मुझे जल्दी से. जीसी की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करके दे दीजिए मुझे जल्दी से. 30+60/60 बोले तो मुझे यहाँ मिल रहा है, इधर ही लिखती हूँ, मुझे मिल रहा है 90/60. दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/60. बताइए मुझे जीसी की वैल्यू क्या आ रही है. ग्रेडियंट की वैल्यू है 6%. 6% से क्या माइनस करूंगी. सॉल्व करके दे दीजिए वैल्यू. बेसिक चीजें हैं. नाइन्टी बाई सिक्सटी 1.25. तो आप बताओ कि अभी आप यहाँ पे कौन सा कंसिडर करोगे. अगर आपको जीसी लेना है यानी ग्रेड कंपनसेशन लेना है तो 1.5 लेंगे या 1.25 लेंगे बता पाओगे क्या. 1.5 लेंगे या 1.25 लेंगे बता पाएंगे जल्दी बोलिए. दिस वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर, बट ये ग्रेटर आ गया है तो आप क्या कंसिडर करेंगे. इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे यानी 1.25. तो 1.25 6 माइनस 1.25 बताइए क्या वैल्यू दिख रही है आपको. 6 माइनस 1.25 1.5 कहाँ आ रहा है, कहाँ पे 1.5 आ रहा है. ये ग्रेटर नहीं होना चाहिए. जो ग्रेटर वैल्यू आ गई ना तो अब आपको स्मॉलर वाली लेनी पड़ेगी. आपने स्मॉलर ले लिया, ग्रेट कंपनसेशन की वैल्यू 1.25 आ रही है. तो ग्रेडियंट तो 6 गिवन था, ग्रेट कंपनसेशन कितना आ गया आपके पास 1.25. 6 माइनस 1.25 इज 4.75. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे मूव करते हैं. द ट्रेन में बी क्लासिफाइड एज रोलिंग ट्रेन इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ लैंड इज 44th. द टेरेन में बी क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ लैंड इज अप टू 10%, बिटवीन 10 to 25%, बिटवीन 25 to 60%, मोर देन 60%. मुझे चाहिए 44th का. फोर्टी फोर्थ के लिए बता दीजिए मुझे जल्दी. सौरव ने बोला है बी. सौरव ने बोला है बी, बिटवीन 10 to 25. राइट गौरव, राइट पिंटू, राइट एस्पायरेंट. नो एस्पायरेंट, ए नहीं होगा, बी होगा. ठीक है, बिटवीन 10 to 25%. अ कैम्बर ऑन अ पेवमेंट इज प्रोवाइडेड. देखिए पेवमेंट का टाइप नहीं दिया है आपको, पेवमेंट का टाइप नहीं दिया है ना. आपसे बोला है सीमेंट कंक्रीट है, ना बोला है बिटुमिनस है. तो आपको पता है कि हमारे पास दो मेथड हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं. एक तो स्ट्रेट लाइन करते हैं और एक पैराबोलिक करते हैं, और थर्ड मेथड है जिसमें हम कंबाइंड करते हैं स्ट्रेट लाइन एजेस पे और टॉप पे पैराबोलिक. तो हमको पता है कि ऑल ऑफ द अबव आर द मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर, है ना. तो 45th का अपने पास डी हो गया. आ जाइए 46th में. द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 60 km/h इज नियरली. बताइए 46th मुझे क्या चाहिए. मुझे चाहिए मिनिमम रेडियस चाहिए. मुझे वी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है. ठीक है,
किसके लिए बात कर रही हूँ मैं आपसे, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 60 km/h, सॉल्व करिए थोड़ा। 46th, मुझे एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस चाहिए, याद रखिएगा एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस पूछा है, यानी आर मिनिमम पूछा है आपसे, आर मिनिमम पूछा है आपसे, तो भूलना नहीं है ये बात, ठीक है। अगर आपको कुछ याद ना आ रहा हो तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, दैट ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला अगर याद आ गया हो तो एक और हिंट दे देती हूँ, मैंने बोला आपसे आर मिनिमम पूछ रहा है, आर मिनिमम पूछ रहा है, देख लीजिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आर मिनिमम चाहिए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ई मैक्सिमम चाहिए होगा और आपको एफ भी मैक्सिमम चाहिए होगा, विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर मिनिमम। क्या अब आपको फॉर्मूला और क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया तो क्या आपको ई मैक्स और एफ मैक्स की वैल्यू पता है? क्या ई मैक्स की वैल्यू पता है? अगर ई मैक्स की वैल्यू पता है तो थोड़ा बता दीजिए, एफ मैक्स की वैल्यू पता है तो बता दीजिए, वी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, 60 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो फिर तो आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, आपको आर मिनिमम तुरंत मिल जाएगा वैल्यूज पुट करते ही। ई मैक्स की वैल्यू दे दीजिए मुझे क्या होती है, आप बस मुझे ई मैक्स की वैल्यू दे दीजिए, अगर मुझे मिनिमम रेडियस चाहिए तो ई मैक्स की वैल्यू क्या होती है? पता है? अगर पता है तो सारी वैल्यूज पुट डाउन करिए और मुझे आर मिनिमम की वैल्यू दे दीजिए। आप बोल रहे हैं आर मिनिमम 128, डी है करेक्ट ऑप्शन क्या? सारे वैल्यूज पुट करेंगे और मुझे दे देंगे कि विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सॉल्व करेंगे और मुझे बता देंगे। वेरी नाइस सौरभ, ई की वैल्यू 0.07 है, एफ की वैल्यू 0.15 है, लैटरल फ्रिक्शन लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन दोनों की वैल्यूज याद होनी चाहिए, अगर दोनों की वैल्यूज याद हैं तो वैल्यू पुट डाउन करेंगे और पुट करिए, मुझे आर मिनिमम की वैल्यू दे दीजिए, आर मिनिमम इज आस्क्ड। कैल्सियम में पुट डाउन करिए वैल्यू जल्दी। वन ट्वेंटी एट पॉइंट एट फोर, फाइन, ठीक है, सबने बोला है डी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट, आगे मूव करिए जल्दी। वेन द पाथ ट्रेवल्ड अलॉन्ग, अच्छा रीड करिएगा प्रिसाइजली क्वेश्चन को, वेन द पाथ ट्रेवल्ड अलॉन्ग द रोड सर्फेस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ऑफ व्हील ड्यू टू रोटेशन इज कॉल्ड स्लिपिंग है कि स्किडिंग है, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा, टर्निंग नहीं आएगा, रिवॉल्विंग नहीं आएगा। पाथ ट्रेवल्ड अलॉन्ग द रोड सर्फेस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील, बताइए स्लिपिंग है कि स्किडिंग है? बताइए, मैं आपको लिख के दिखा देती हूं, यू इज मोर देन ओमेगा आर, बताइए यही तो है ना क्वेश्चन में, तो यही दिख रहा है मुझे, यही बोल रहा है that the path traveled along the road surface is more than the circumferential movement of the wheel, u is more than omega r. आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, स्किडिंग बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये कंडीशन है आपके लिए स्किडिंग की। अगर इसी का उल्टा कर दूं तो ये कंडीशन हो जाएगी स्लिपिंग की, आ गई बात समझ में? तो स्लिपिंग और स्किडिंग समझ में आना चाहिए। 48th क्वेश्चन आ जाइए, 48th क्वेश्चन पे आ जाइए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन द पेवमेंट सरफेस इज, बोलो, रफ ड्राई, स्मूथ एंड ड्राई, स्मूथ एंड वेट, डीके डी ने बोला है डी, राइट, रीड करिए क्वेश्चन आराम से,
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम कब होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम कब होगा? राइट सौरभ, देखिए अगर आपका जो सरफेस है वो स्मूथ है एंड ऑल्सो इट इज़ वेट, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो डेवलप होगा आपके टायर यानी व्हील और आपके पेवमेंट के बीच में, दैट विल बी लेस। आगे आ जाइए, इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 60 मीटर, देन द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक इज, वेरी इजी, तुरंत बता सकते हैं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला क्लिक कर जाना चाहिए, या तो ऑप्शंस में फार्मूला गिवन होगा या तो वैल्यूज गिवन होंगी, तुरंत बता दीजिए मुझे। 49th, इफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 60 मीटर, देन द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चाहिए मुझे फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक। SSD की वैल्यू गिवन है, SSD की वैल्यू गिवन है 60 मीटर्स, मुझे चाहिए मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू वे टू लेन ट्रैफिक। वेरी नाइस, इट विल बी टू टाइम्स ऑफ SSD, टू टाइम्स ऑफ SSD विच इज 2 × 60, 120 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर 10 रिकमेंडेशन इज, कुछ वैल्यू मिसिंग होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 50, द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन, बताइए कितना है। 50th, राइट पिंटू शर्मा, सिक्सटी के एम पी एच कहाँ का बता रहे हैं आप? 60 के MPH 50th क्वेश्चन का बता रहे हैं? नहीं, गलत है, 80 नहीं, 100 के MPH इज द रूलिंग डिजाइन स्पीड फॉर नेशनल हाईवे। आगे आ जाइए, वैल्यूज है, डायरेक्टली याद रखना है, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। द मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर अ वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ रोड इज, ठीक है, मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट चाहिए, मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट चाहिए, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए कुछ चीजें तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, लिमिटिंग तो होगा नहीं, मिनिमम तो होगा नहीं, अब एक्सेप्शनल और रूलिंग में से कोई एक होगा, तो बता दीजिए क्या होगा। मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ रोड, राइट पिंटू शर्मा, डी के डी करेक्ट, नहीं सौरभ बी नहीं है, रूलिंग ग्रेडियंट इज द करेक्ट ऑप्शन। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए व्हीकल एज पर रिकमेंडेड बाय IRC, मैक्सिमम विड्थ का आपको एक क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, बताइए क्या होगा। मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल रिकमेंडेड बाय IRC 52, मैक्सिमम विड्थ पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम विड्थ पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 52, 1.85 ए बोल रहा है, नहीं गलत है, अच्छा रूलिंग ग्रेडियंट के लिए ए बोले, ठीक है ठीक है ठीक है, 51 का ऑप्शन ए है, 52 के लिए बता दीजिए मुझे, 52 के लिए बता दीजिए मुझे, 52 के लिए बी है, 2.44 मीटर, राइट करेक्ट। ये किसकी बात हो गई, मैक्सिमम विड्थ की बात हो गई है, अब विड्थ की जगह मैं आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ देती हूँ, चलिए बताइए मैक्सिमम हाइट बता दीजिए, विड्थ तो बिल्कुल 2.44 मीटर है, मैक्सिमम हाइट बता दीजिए मुझे तुरंत। मैक्सिमम हाइट बता दीजिए, 4.72 बिल्कुल भी नहीं होगा राहुल रंजन, डी नहीं है श्रावणी, मैक्सिमम हाइट, राइट गौरव चंद्रा, राइट, मैक्सिमम हाइट 3.8 मीटर होनी चाहिए, डबल डेकर बस हुई अगर तो मैक्सिमम हाइट 4.75 मीटर तक जाएगी, ठीक है, डबल डेकर बस के लिए, अगर बस मेंशन नहीं किया है तो मैक्सिमम हाइट 3.8 मीटर, मैक्सिमम विड्थ 2.44 मीटर, ठीक है। आइए, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू काउंटर एट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फुल्ली इज गिवन बाय,
क्वेश्चन रीड करिए और मुझे आंसर दे दीजिए. क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53. आई थिंक हम लोगों को पता है ये, इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए. ठीक है, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन टू काउंटर अटैक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वी स्क्वायर बाई 75 R जैसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं. वी स्क्वायर बाई 27.5 R जैसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं. मिक्सड ट्रैफिक की कोई बात हुई नहीं है तो मैं इसको यूज करूंगी नहीं. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. एम आई राइट? येस और नो बोल दीजिए जल्दी. 53 का सी बोल रहे हैं आप. सौरभ एक बार रीड करिए, सी है या डी है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो एक बार. सी है या डी है, ठीक से रीड करिए एक बार. इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन बोला है आपसे. मिक्स्ड ट्रैफिक बोलता तो 0.75 टाइम्स ऑफ इक्विलिब्रियम होता. इक्विलिब्रियम बोला है आपसे. सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना? सही कर रही हूँ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने स्क्रीन पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 54 पे, द ऑफ ट्रैकिंग ऑफ अ व्हीकल हैविंग अ व्हील बेस ऑफ 6 मीटर नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड पाथ ऑफ मीन रेडियस. ऑफ ट्रैकिंग चाहिए मुझे, ऑफ ट्रैकिंग की वैल्यू चाहिए. ऑफ ट्रैकिंग, बताइए. क्वेश्चन नंबर 54th देख रही हूं. ऑफ ट्रैकिंग करेक्ट सिविल वर्ल्ड. एल स्क्वायर बाई 2 R यह है फॉर्मूला आपके पास. एल की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. एल की वैल्यू गिवन है आपके पास, देख लीजिए और वैल्यू बता दीजिए मुझे क्या आ रही है. 54th. फिफ्टी फोर्थ जीरो पॉइंट सेवन टू सॉल्व करने पे आ रहा है. फाइन, 0.72 आ रहा है. एक मिनट रुक जाइए, आगे मूव कर रही हूँ. ये वाला स्लाइड स्किप कर दीजिए, आ जाइए इसमें, आ जाइए 57th में आ जाइए. डिजाइन वैल्यू ऑफ, अच्छा लैटरल फ्रिक्शन पूछा है आपसे. लैटरल फ्रिक्शन पूछा है, लैटरल फ्रिक्शन पूछा है. लैटरल पूछेगा, लॉन्गिट्यूडनल पूछेगा. अभी लैटरल पूछा है, बताइए क्या होगी वैल्यू. 57th. लैटरल पूछा है, 0.15 ले लिया आपने. लॉन्गिट्यूडनल पूछता तो, लॉन्गिट्यूडनल पूछता तो वैल्यू दे दीजिए. लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर पूछ लिया होता तो वैल्यू दे दीजिए जल्दी मुझे. लैटरल तो आपने 0.15 बता दिया, लॉन्गिट्यूडनल बता दीजिए. जीरो पॉइंट थ्री फाइव टू जीरो पॉइंट फोर जीरो सेकेंड्स. सॉरी, ठीक है चलिए, सेकेंड्स नहीं, वो रिएक्शन टाइम क्लिक कर गया था मेरे को. ठीक है, 0.35 से 0.40. कैम्बर किस लिए? ड्रेनेज के लिए. तो ज़्यादा डिस्कशन का टाइम ही नहीं है अपने पास. आ जाइए 59th क्वेश्चन रीड करिए. 59th, इन हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन is drawn and the design is checked at which percent. अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा हॉच पॉच हो गया,
In highway geometric design, cumulative speed distribution is drawn and the design is checked at which percentile. ठीक है, ये वापस से रिपीट हो गया, इसको उड़ा देंगे. हाँ, अब रीड करिए और बता दीजिए मुझे, मुझे चाहिए किसके लिए. मुझे पहली बात देख लीजिए कि मैं क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है, और ये किसके लिए पूछ रही हूँ मैं आपसे, ये पूछ रही हूँ मैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन स्पीड के लिए, जियोमेट्रिक डिज़ाइन स्पीड के लिए. थोड़ा परसेंटेज बता दीजिए मुझे जल्दी से. 98th बोल दिया है सबने. जियोमेट्रिक डिज़ाइन स्पीड के लिए पूछ रही हूँ तो 98th बोला है आपने, मैं अग्री कर रही हूँ. ठीक है, मैं अग्री कर रही हूँ. अगर मैं आपसे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लिए पूछा था ना, आज ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्पीड के लिए पूछा था आपने, 98th बोल दिया, सेफ डिज़ाइन स्पीड के लिए कितना बोलेंगे? सेफ डिज़ाइन स्पीड के लिए, सेफ डिज़ाइन स्पीड के लिए दे दीजिए. यार मतलब क्या बोलूँ इसको, सेफ स्पीड लिमिट बोल दीजिए इसको, सेफ स्पीड लिमिट. वो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन लिमिट था, सेव स्पीड लिमिट के लिए दे दीजिए कितना परसेंटाइल होगा, और मिनिमम स्पीड लिमिट भी दे दीजिए मुझे, क्या वैल्यू होगी. सेफ के लिए 85th बोला आपने, ठीक है, सेफ के लिए 85th बोला आपने, और मैंने पूछा है आपसे मिनिमम स्पीड लिमिट के लिए, मिनिमम स्पीड लिमिट के लिए सेफ के लिए 85th परसेंटाइल और मिनिमम स्पीड लिमिट के लिए 15th परसेंटाइल. ठीक है, आइए आगे मूव करिए. द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन एज पर IRC रिकमेंडेशन फॉर कंप्यूटिंग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर अ व्हीकल विथ डिज़ाइन स्पीड L, लिम्फ नहीं है वो, KMPH होगा, KMPH इज गिवन बाय. मुझे बता दीजिए आप रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, क्वेश्चन नंबर 60. रीड करिए और मुझे दे दीजिए. ऑप्शंस में शायद गड़बड़ी है क्या, एक बार रीड करके देख लीजिएगा, एक बार रीड करके देख लीजिएगा, कोई वैल्यू गड़बड़ दिख रही है क्या कहीं पे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में यहाँ स्टार मार्क है, मतलब ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है क्या. सिक्सटी के लिए आपने बोला ऑप्शन नंबर सी, 80/70+V मीटर पर सेकेंड क्यूब. चलिए, वेरी नाइस, आगे मूव करिए. एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, अब टेस्ट में आ गए हैं, यहाँ पे पेमेंट कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है. एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट किसको डिटरमाइन करने के लिए होता है, ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है, टफनेस के लिए होता है, हार्डनेस के लिए होता है, या स्ट्रेंथ के लिए होता है, जल्दी बताइए. एग्जैक्टली 75 होगा 70 के जगह, आप रीड करके देखिए एक बार, है ना, इसीलिए स्टार मार्क था मेरे बुक में. फाइन, आगे आइए, बताइए. एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, टफनेस, सौरव ने बोल दिया है, गौरव ने भी बोल दिया है टफनेस, सब बोल रहे हैं टफनेस. 61 सबके लिए पता होना चाहिए आपको कौन सा टेस्ट क्या डिटरमाइन करने के लिए फाइंड करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स अब्रेशन रेजिस्टेंस, टफनेस के लिए तो देख लिया आपने, अब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं बता पाएंगे क्या. 62 जल्दी. डेवल एटायरेशन टेस्ट, डॉरी अब्रेशन टेस्ट, लॉस एंजलस टेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव. अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको सारे ही ऑप्शंस याद होंगे, ठीक है, सारे मेथड्स के नाम आपको याद होंगे. बिल्कुल, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ये सारे ही मेथड्स हमको अब्रेशन फाइंड करने के लिए ही यूज होते हैं. आ जाइए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग रोड मैकेडम इन एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट. 63 बताइए मुझे, कितना केजी वेट होगा, कितने हाइट से ड्रॉप करेंगे और कितने नंबर ऑफ ब्लोज आप देंगे, बताइए. स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग रोड मैकेडम इन एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट, टेस्ट याद करिए.
18 केजी या 14 केजी, सबसे पहले तो वेट याद कर लीजिए, 18 केजी होता है या 14 केजी होता है, मैं याद दिला देती हूँ, 14 केजी का वेट होता है, ठीक है, 14 केजी का वेट होता है। कितने हाइट से ड्रॉप करेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज भी आपको बता देती हूँ, 15 नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं, 15 नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं, बता देती हूँ आपको, 14 केजी का वेट होता है, 15 नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं, ड्रॉप आप देख लीजिए, ड्रॉप आप देख लीजिए और मुझे बता दीजिए। राइट निरुपमा, राइट सोल वर्ड, राइट डी के डी, करेक्ट। 14 केजी ऑफ वेट, 38 सेंटीमीटर ऑफ ड्रॉप, 15 नंबर ऑफ ब्लोज, 38 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने 380 एमएम पढ़ा होगा, फाइन। आइए, ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन इज द टेम्परेचर एट विच 64th, ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन इज द टेम्परेचर एट विच, बताइए, मेल्टिंग स्टार्ट, वेपराइजेशन स्टार्ट, बॉइलिंग स्टार्ट, क्रैकिंग स्टार्ट, आरआरबीजे की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में अभी कोई कमेंट नहीं करना ही सही होगा। मेल्टिंग स्टार्ट्स, वेपराइजेशन स्टार्ट्स, बॉइलिंग स्टार्ट्स, क्रैकिंग स्टार्ट्स, मुझे चाहिए ब्रेक पॉइंट ऑफ बिटुमिन, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए, मेल्टिंग स्टार्ट्स, वेपराइजेशन स्टार्ट्स, बॉइलिंग स्टार्ट्स और क्रैकिंग स्टार्ट्स, जल्दी बताइए। 64th, ब्रेकिंग पॉइंट बोल रहा है, ब्रेक पॉइंट ऑफ बिटुमिन बोल रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है 64 में। ब्रेक पॉइंट में आई पर्सनली फील की क्रैकिंग ऑकर होगा, ब्रेक पॉइंट में क्रैकिंग ऑकर होना चाहिए, ठीक है, रिकॉल कर लेंगे एक बार, डोंट वरी। 64th में बहुत जल्दी उसके लिए एक वीडियो रिलीज करेंगे सौरभ, ठीक है। चलिए, बिटुमेन इज सॉल्यूबल इन, पीडीएफ में आ जाएगा आपके पास आंसर, डोंट वरी। बिटुमेन इज सॉल्यूबल इन, इट इज डिराइव, बिटुमेन इज डिराइव फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड हैज एधेसिव प्रॉपर्टीज एंड इट इज सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, याद रखेंगे ये बात, ठीक है, राइट, कार्बन डाइसल्फाइड। आ जाइए, व्हाट इज बिटुमिन इन सॉलिड स्टेट कॉल्ड, बिटुमिन इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड 66th, बताइए जल्दी, पेट्रोलियम कंसंट्रेट, ना मोल्टन टार या एस्फाल्ट, जल्दी बताओ। बिटुमिन इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड एस्फाल्ट, आप सबको याद होना चाहिए,
रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ टार फॉर ग्राउटिंग पर्पज। देखिए ये सारे ना RT1, RT2, RT3, RT4, RT5, ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके डिफरेंट ग्रेड ऑफ टार है, ठीक है, जिनका डिफरेंट डिफरेंट पर्पज है। तो इनमें से ग्राउटिंग के लिए कौन सा टार यूज होता है बता दीजिए मुझे जल्दी। इसमें से ग्राउटिंग के लिए कौन सा टार यूज होता है, क्वेश्चन नंबर 67 बता दीजिए मुझे जल्दी। RT1, 2, 3 और 5 फॉर ग्राउटिंग पूछा है मैंने। ये सारे आपके ग्रेड्स ऑफ टार हैं ग्राउटिंग के लिए, बताइए। वेरी नाइस, RT5 इज यूज फॉर ग्राउटिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बार बार आपको PYQ में दिखा होगा। ये देखिए मैंने आपको दे दिए हैं सारे यहाँ पे, RT1 से लेके RT5 तक सारे दिए हैं मैंने, सबका यूज दे दिया है। कोई भी 5 में से एक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर RT1 पूछा तो आपको पता होना चाहिए सरफेस पेंटिंग के लिए यूज करेंगे, RT2 नॉर्मल इंडियन क्लाइमेट के लिए यूज करेंगे, RT3 रिन्यूअल कोट के लिए यूज करेंगे, सरफेस पेंटिंग के लिए, लाइट कारपेट्स के लिए, RT4 प्री मिक्सिंग टार मकैडम इन बेस कोर्सेस, और RT5 यूज होगा आपके लिए किसके लिए, ग्राउटिंग के लिए। तो याद होना चाहिए। 68 आ जाइए, 68 इज द रिजल्ट ऑफ रिंग एंड बॉल सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑन एसफॉल्ट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ, रिंग एंड बॉल टेस्ट बताइए। आपको सारे टेस्ट और सारे टेस्ट किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, क्या डिटरमाइन करने के लिए पता होना चाहिए। तो 68 मुझे बता दीजिए जल्दी, मुझे चाहिए रिंग एंड बॉल जो टेस्ट है। देखिए सॉफ्टनिंग पता करता है, अपैरेटस क्या है, रिंग एंड बॉल अपैरेटस है, किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको बताइए, किस टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन टू बी यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एट अ प्लेस वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी, सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन क्या होना चाहिए बताइए। ब्रेक पॉइंट वाला क्रैक सी है, फाइन, तो जो लग रहा था वो सही लग रहा था। चलिए, द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन टू बी यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एट अ प्लेस वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी, क्वेश्चन नंबर 69 बताइए। लेस देन 40 डिग्री, मोर देन 40 डिग्री, इक्वल टू 40 डिग्री, नन ऑफ द अबव। राइट सिविल वर्ल्ड, राइट DKD, राइट राइट राइट, इट शुड बी ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए, द एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट फॉर एग्रीगेट टू बी यूज फॉर सरफेस कोर्स, सरफेस कोर्स पूछा है आपसे बताइए। एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू किसके लिए पूछ रहा है, सरफेस कोर्स के लिए पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 70। परफेक्ट, सरफेस कोर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 70। सही है, क्या बोला आप सबने, ए बोल रहे हो क्या। द एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू फॉर एग्रीगेट टू बी यूज फॉर सरफेस कोर्स ऑफ पेवमेंट इज ए, वेरी नाइस, याद होना चाहिए, पूरा टेबल याद होना चाहिए। अभी दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये पूरा टेबल आपके पास है, मैक्सिमम एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू। देखिए अभी आपसे सरफेस कोर्स पूछा था तो आपने 30 मार दिया तुरंत, अभी सब सरफेस कोर्स पूछता 50 लेते, सीमेंट कंक्रीट बेस पूछता 45 लेंगे, बिटुमिनस मैकेडम पूछेगा 35 लेंगे। वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। गुड आफ्टरनून, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। यूजुअली व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लॉस एंजलस अब्रेशन वैलिड परसेंटेज फॉर डेंस बिटुमिनस मकैडम। अभी उससे पहले मैंने आपसे पूछा था एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू, अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ मैक्सिमम परमिसिबल अब्रेशन वैल्यू बताइए। मैम साइड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में टू वे लेन टू वे के लिए SSD डबल कैसे होगा, गेटिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, डोंट वरी शुभम सौरव, अभी चले जाऊंगी उस क्वेश्चन में वापस, आपका डाउट आई विल गेट बैक टू दैट, ये वाला क्वेश्चन निपटा लेने दीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अरबाज, गुड आफ्टरनून अरिंदम,
बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 71। 71 के लिए डी बोल रहे हैं। डी क्या ऑप्शन है? 35। 71 के लिए 35 बोल रहे हैं, ठीक है मैं देख लेती हूँ, मैं अभी देख लेती हूँ। 71 के लिए डी बोल रहे हैं, 35। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये देखिए मैक्सिमम परमिसिबल एबरेशन वैल्यू भी आपको मैंने दे दी है यहाँ पे, डिफरेंट रिस्पेक्टिवली अलग अलग पेवमेंट के लिए आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। क्वेश्चन में अभी पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन में अभी पूछा गया था आपसे डेंस बिटुमिनस मैकेडम के लिए, डेंस बिटुमिनस मैकेडम के लिए आपको वैल्यू यहाँ गिवन है 35। टेबल याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे मूव करिए, आगे मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 72 पे, रैपिड क्यूरिंग कटबैक इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लेंडिंग बिटुमिन विथ, बताइए जल्दी। रैपिड क्यूरिंग कटबैक इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लेंडिंग बिटुमिन विथ, बताइए। 72 और बाज, आई एम नॉट वर्किंग फॉर एनी डिपार्टमेंट करेंटली, आई एम वर्क प्रिपेयरिंग फॉर अ नॉन टेक एग्जाम, वोंट बी नेमिंग इट हियर। तो मैं कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट में करेंटली काम नहीं कर रही हूँ, किसी भी और क्या बोलते हैं उसको, किसी भी और कंपनी से एसोसिएटेड नहीं हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। नीदर गवर्नमेंट नॉन नॉर प्राइवेट, करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ नॉन टेक एग्जाम। अरिंदम क्या डाउट था बता दीजिएगा मुझे, मुझे आपका डाउट स्किप हो गया है। टू रैपिड क्यूरिंग कटबैक ब्लेंडिंग, एक सेकेंड पेन, हाँ कौन से क्वेश्चन में थे? क्वेश्चन नंबर 72, रैपिड क्यूरिंग कटबैक इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लेंडिंग बिटुमिन विथ पेट्रोल होना चाहिए, है ना? इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, 72 का, 72 का पेट्रोल होना चाहिए, है ना? 72 के लिए पेट्रोल होना चाहिए। बिटुमिन ऑफ ग्रेड 80 बाई 100 मीन्स, वेरी सिंपल वेरी इजी, बता दीजिए। 73, बिटुमिन ग्रेड ऑफ 80 बाई 100 मीन्स, बिटुमिन ऑफ ग्रेड 80 बाय 100 मीन्स, पहले तो देख लीजिए 80 बाय 100 का मतलब क्या है। इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 8 mm, इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 10 mm, इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 8 to 10 mm, और इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 80 to 100 mm। देखिए डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? आप ए बी और सी में से मुझे जल्दी से बता दीजिए, ए बी और सी में से मुझे जल्दी से बता दीजिए। जब मुझे बोल दिया गया 80 to 100 mm, तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए 1/10 डिफाइन करता है, ठीक है? तो 80 to 100 mm के बारे में अगर बात हो रही है, तो 1/10 के रिस्पेक्ट में हम इसको डिनोट करते हैं, अगर 1/10 mm के रिस्पेक्ट में अगर डिनोट करते हैं, तो हम इसको 8/10 mm बोलेंगे, यानी इसका पेनिट्रेशन 8 mm से 10 mm तक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 74th में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ बिटुमिन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर 7 day मैक्सिमम एवरेज एयर टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड? 74th बता दीजिए, 74th बता दीजिए।
क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा ये लीजिए, अरबाज खान आई एम नॉट वर्किंग फॉर एनी डिपार्टमेंट करेंटली, बताया था मैंने आपको। आपने बताया है 74th के लिए, 74th। व्हाट इज द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ बिटुमेन मोस्ट सुटेबल फॉर 7 डे मैक्सिमम एवरेज एयर टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड? आप क्या बता रहे हैं 74th के लिए? 74th के लिए डिफरेंस बिटवीन सरफेस कोर्स एंड वियरिंग कोर्स अरिंदम एज पर माई, एक सेकेंड, हाँ यही दे दीजिए, थैंक यू। एज पर माई नॉलेज अरिंदम, देर इज नो एज सच डिफरेंस बिटवीन सरफेस कोर्स एंड वियरिंग कोर्स। वियरिंग कोर्स इज नोन एज सरफेस कोर्स एज पर माई नॉलेज। वियरिंग कोर्स एंड सरफेस कोर्सेस आर सिमिलर थिंग। सेवेंटी फोर्थ के लिए आपने क्या बताया मुझे? 74th के लिए बताया है आपने बी, दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 74th के लिए आपने बताया है बी, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। आ जाइए ऑप्शन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। रिंग एंड बॉल अपैरेटस इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट? रिंग एंड बॉल अपैरेटस बताइए। हाँ ठीक है, डाउट टाइप कर दीजिए अरिंदम। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ नॉन टेक एग्जाम अरबाज। बिल्कुल, रिंग एंड बॉल अपैरेटस अभी हम लोगों ने देखा था, सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए करते हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए करते हैं। आ जाइए, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको देखिए सारे टेस्ट दे दिए हैं, सारे टेस्ट दे दिए हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। क्रशिंग टेंस टेस्ट करते हैं हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट करते हैं हार्डनेस निकालने के लिए, अग्रेशन इंपैक्ट टेस्ट करते हैं टफनेस निकालने के लिए, साउंडनेस टेस्ट करते हैं ड्यूरेबिलिटी निकालने के लिए, शेप टेस्ट करते हैं शेप फैक्टर्स निकालने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पोरोसिटी निकालने के लिए, स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट वाला टेस्ट करेंगे हम क्या? एडहेशन निकालने के लिए। ठीक है, आ जाइए। द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट यूज इन, ठीक है रीड करिए, रीड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड करिए, मुझे बताइए। या तो ऑल ऑफ द अबव होगा या तो नन ऑफ द अबव होगा, रीड करिए। जब इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं ना तो हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, थोड़ा देखिए इम्पैक्ट वैल्यू कंसिडर कब कब करते हैं। अनिंदम बता दूंगी अभी, ठीक है इमेज अभी पुट डाउन कर दूंगी आपको, पूरा का पूरा क्लियरली दिख जाएगा उसमें, इमेज भी फॉरवर्ड कर दूंगी और अभी बता देती हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। नॉन टेक के कुछ बेसिक नोट्स ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइडेड है अरिंदम, अरिंदम नहीं सॉरी अरबाज, जो आपको SSC JEE लेवल के लिए मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है बताइए मुझे, जल्दी से ऑप्शन दे दीजिए। अग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट क्वेश्चन नंबर 76, मुझे चाहिए बिल्डिंग कंक्रीट इज लेस देन 45, यस। पेवमेंट रोड पेवमेंट कंक्रीट इज लेस देन 30, रनवे कंक्रीट इज लेस देन 30, ऑल ऑफ द अबव, राइट ऑल ऑफ द अबव। आ जाइए, द फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर डिग्री किसमें, डिग्री में ऑफ पेविंग ग्रेड्स ऑफ बिटुमिन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड इज, बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 77,
डी नहीं, जल्दी बता देंगे। टेलीग्राम चैनल नेम तनुजा सिंह परमार है, 220, राइट, 220 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बिटुमिन इज ग्रेडेड बाय विस्कोसिटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड वेयर टी इज। मुझे चाहिए बिटुमिन का ग्रेड बाय विस्कोसिटी, टेम्परेचर चाहिए मुझे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, टेम्परेचर चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 78 बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 78 सी होना चाहिए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, वीजी 30 ग्रेड ऑफ पेविंग बिटुमिन इज सुटेबल फॉर 7 डेज एवरेज मैक्सिमम एयर टेम्परेचर। डिग्री में बताना है आपको, रेंजिंग बिटवीन। देखिए वीजी 30 के लिए पूछा है मैंने आपको, फॉर ऑफ पेविंग बिटुमिन इज सुटेबल फॉर 7 डेज एवरेज मैक्सिमम एयर टेम्परेचर, बता दीजिए मुझे वीजी किसके लिए, वीजी 30 के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 रीड करते ही पता चल जाएगा आपको। मैंने यहाँ टेबल दे दिया, अगर याद नहीं है यहाँ पे टेबल दे दिया है मैंने आपको। वीजी 10 होगा तो टेम्परेचर लेस देन 30 डिग्री, वीजी 20 होगा तो टेम्परेचर 32-38 डिग्री, वीजी 30 हुआ तो टेम्परेचर 32-45 डिग्रीज, और वीजी 40 हुआ तो टेम्परेचर मोर देन 45 डिग्रीज। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये ऑप्शन होने वाला है 38-45 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फाइन, आगे आ जाइए। ये आपको डिटेल में टेबल मैंने दे दिया, आपको सारे टेबल के लिए चीजें याद होनी चाहिए रेस्पेक्टिवली। ओके सिविल वर्ल्ड, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80, रेंज ऑफ पेविंग बिटुमिन, अच्छा सॉरी, इमल्शंस आर यूज्ड एज बाइंडर मटेरियल। बाइंडर मेनिला नहीं है ये, मेनली 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 बताइए, इमल्शंस आर यूज्ड एज बाइंडर मेनली कहां पे। क्वेश्चन नंबर 80, इमल्शंस कहाँ यूज करते हैं, आपको डायरेक्टली याद आ जाना चाहिए, इमल्शंस कहाँ यूज करते हैं। बताइए, आई डोंट थिंक सो बिटुमिनस मैकेडम है। आई डोंट थिंक सरफेस ड्रेसिंग है। एक बार देखिए, रीड करिए थोड़ा सा वापस से। मैंने आपसे पूछा इमल्शन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, इमल्शंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं। अरबाज क्वेश्चन पे फोकस कर लीजिए, बाकी बातें हैं, हम PYQ सेशन, एक पर्सनल PYQ सेशन रख लेंगे, वहाँ और बातें कर लेंगे, अभी जहाँ हैं वहाँ ध्यान देते हैं। इमल्शंस आर यूज्ड एज बाइंडर्स मेनली, नहीं भाई ऑप्शंस ठीक से रीड करिए। इमल्शंस आर यूज्ड एज बाइंडर मेनली कहाँ पे, बिटुमिनस मैकेडम, बिटुमिनस कंक्रीट, सरफेस ड्रेसिंग या पैच वर्क। क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में बात कर रही हूं मैं आपसे, इमल्शंस आर यूज्ड एज बाइंडर मेनली।
ठीक है, आपको याद होना चाहिए, इट इज यूज फॉर पैच वर्क. सील कोट इज प्रोवाइडेड टू, क्वेश्चन नंबर 81, जल्दी बता दीजिए. सील कोट इज प्रोवाइडेड, सील कोट इज प्रोवाइडेड राइट राइट टू डू ऑल ऑफ द अबव. आ जाइए. अच्छा ठीक है, ये मैंने आपको ऑर्डर दे दिया है, ये मैंने आपको यहाँ पे ऑर्डर बता दिया है. फाइन, ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए किसके बाद कौन सा कोर्स होता है. अब बताइए, द टेम्परेचर टू बी मेंटेन टू डिटरमाइन द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमिन इज, जल्दी बताइए. क्वेश्चन नंबर 82, द टेम्परेचर टू बी मेंटेन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमिन, आपने देखा हुआ है ये टेस्ट में ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर 82, क्या टेम्परेचर मेंटेन करना होता है. टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 25 डिग्री मेंटेन करते हैं, है ना. 83, इन हाईवे पेमेंट इमल्शंस आर मेनली यूज इन, इमल्शंस किस लिए यूज होते हैं मेनली बताइए हाईवे पेमेंट्स में. क्वेश्चन नंबर 83, 40 डिग्री नहीं होगा, 25 डिग्री होगा, 40 डिग्री नहीं होगा, 25 डिग्री होगा. 83 बताइए मुझे जल्दी से. मैंने पहले ही बताया था आपको इमल्शंस का यूज़ कर रहे हैं, तो इमल्शंस का यूज़ करूंगी तो पैचिंग और मेंटेनेंस के लिए करूंगी. फाइन, आ जाइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, पेनिट्रेशन टू नो द बिटुमिन ग्रेड इज मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ, वेरी इजी वेरी सिंपल, क्विकली बताइए, आगे मूव करना है मुझे. जल्दी बताइए, क्विकली मुझे आगे मूव करना है. क्वेश्चन नंबर 84, बताइए. 84th, 84th का बी बोल रहे हैं, 1 in 10th mm, बिल्कुल सही. पेनिट्रेशन हम ऐसा ही देखते हैं, 1 in 10th mm, वेरी नाइस. 85th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमिक्स मेथड इज यूज फॉर बेस कोर्स, जल्दी बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 85, बिटुमिनस कारपेट, मैस्टेलिक असफाल्ट, शीट एसफाल्ट, बिटुमिनस बाउंड मैकेडम, जल्दी बोलो. क्वेश्चन नंबर 85, देखते ही रीड करते ही पता चल गया होगा आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमिक्स मेथड इज यूज फॉर बेस कोर्स पूछ रही हूं आपसे, बेस कोर्स पूछ रही हूं आपसे. जल्दी, मैस्टिक एस्फाल्ट नहीं है, सिविल वर्ल्ड. राइट धनंजय, राइट राइट राइट, इट इज बिटुमिनस बाउंड मैकेडम. फॉर सैंडी सॉइल द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबिलाईजेशन इज, ध्यान से देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा. सैंडी सॉइल के लिए बात कर रही हूँ, टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है. सैंडी सॉइल के लिए जब बात करूंगी तो कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन क्या होगा, ये सेल नहीं है सॉइल है, ये सेल नहीं है सॉइल है, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 86 बात कर रही हूँ आपसे. सैंडी सॉइल के लिए बात करूंगी तो सॉइल, कोई बात नहीं, सैंडी सॉइल के लिए बात करूंगी तो सॉइल लाइम नहीं होगा, सॉइल बिटुमिन नहीं होगा. सैंडी सॉइल के लिए स्टेबलाइजेशन होता है सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन, सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन व्हेन वी टॉक अबाउट सैंडी सॉइल. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, द टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द अधेशन ऑफ बिटुमिनस बाइंडर टू एन अग्रीगेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओ वेरी इजी, तुरंत बताइए और आगे मूव करेंगे हम. देखिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप एलिमिनेशन करना शुरू करिए, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उन ऑप्शंस के टेस्ट आपको ऑलरेडी पता है और वो क्वेश्चन में फिट नहीं हो रहा है, तो जो फिट नहीं हो रहा है उसको अलग से उड़ा दीजिए. ठीक है, जो फिट नहीं हो रहा है उसको उड़ा दीजिए. 87th में आपको अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं क्लिक कर रहा है इसमें, तो आपको जो ऑप्शंस में क्लिक कर रहा है उनको देखिए और बाकी उड़ा दीजिए. क्या आपको जो क्वेश्चन में लिखा है वो एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट में मेथड यूज़ होता है, नहीं होता है. लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट है वो, नहीं है. वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है वो, नहीं है. दिस इज स्टैटिक इमर्शन टेस्ट, है ना, दिस इज स्टैटिक इमर्शन टेस्ट, इट्स नॉट बी धनंजय.
आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट टू एड्रेस श्रिंकेज क्रैकिंग. सब में से देख लीजिए, श्रिंकेज क्रैकिंग के लिए कौन से जॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 88 है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 88 है, जल्दी बताइए. श्रिंकेज क्रैकिंग का टर्म आया, आपको पता हो जाना चाहिए किस जॉइंट के बारे में बात हो रही है. अभी वो भी क्वेश्चन पूछेगा कि अलोंग द लेंथ ऑफ हाईवे प्रोवाइड किसको करते हैं, ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ हाईवे किसको प्रोवाइड करते हैं, ये सभी पता होना चाहिए. ए तो बिल्कुल भी नहीं है. राइट धनंजय, राइट पिंटू, राइट गौरव, नो. आई एम टॉकिंग अबाउट श्रिंकेज क्रैकिंग, एक्सपेंशन जॉइंट्स नहीं आएंगे, एक्सपेंशन जॉइंट्स नहीं आएंगे. क्वेश्चन नंबर 88. बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज रिकमेंडेड बाई IRC फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट. फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन के लिए किसको रिकमेंड करिएगा बताइए. CBR टेस्ट, ग्रुप इंडेक्स, वेस्टरगार्ड पेनिट्रेशन. फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए सबसे पहले क्लिक कर जाना चाहिए आपको. जब भी आपने इस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा तो पहला स्टेटमेंट ही पढ़ा होगा कि इट इज डन फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट. ठीक है, रीड करते ही पता चल जाना चाहिए. राइट सिविल वर्ल्ड, राइट. फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करेंगे तो CBR टेस्ट करेंगे. द जॉइंट पैरेलल टू द सेंटर लाइन, देखिए अलोंग द सेंटर लाइन कौन सा जॉइंट होगा बताइए. ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, मैं बता देती हूँ. एक्सपेंशन नहीं है तो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स में से कोई होगा. अलोंग द डायरेक्शन बोल रही हूँ आपसे, अलोंग द डायरेक्शन बोल दिया मैंने तो लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन होता तो आपके लिए हो जाता क्या, ट्रांसवर्स जॉइंट. देखिए बोला है आपसे जॉइंट पैरेलल टू द सेंटर लाइन ऑफ द कंक्रीट रोड, तो अगर ये सेंटर लाइन ऑफ द कंक्रीट रोड है तो देखिए क्या है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द रोड ही तो है ना, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट. आगे आ जाइए, द मेन ड्रॉबैक ऑफ CBR मेथड, बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर CBR मेथड आपने पढ़ा है एक भी बार तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत. डज नॉट कंसिडर द स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबग्रेट सॉइल, नो इट डज, करेक्ट, इट डज कंसिडर्स. डज नॉट गिव द थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल लेयर, gives the total thickness which remains same irrespective of the quality of material used in component layers. Or option number D is a complex method and gives the total thickness. This is variable with the change in the material used in the component layer. देखिए आपको पता है कि D तो बिल्कुल नहीं है, और आपको बता देती हूँ A भी बिल्कुल नहीं है. B और C में बता दीजिए मुझे क्या है. नाइन्टी वन का बी बोल रहे हैं आप, एक बार पूरे को बी और सी को भी वापस से रीड करिए. पिंटू शर्मा, दोनों ऑप्शंस वापस से रीड करिए. डज नॉट गिव्स द थिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल लेयर, यस. गिव्स द टोटल थिकनेस विच रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द कंपोनेंट ऑफ लेयर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आ जाइए, इन स्टैंडर्ड कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट सैम्पल हाइट 125 mm, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल डायल गेज रीडिंग इज फाउंड टू बी 0.125. व्हाट इज द एक्सपेंशन रेशियो ऑफ सॉइल, जल्दी से रीड करके बता दीजिए मुझे. बी भी सही है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, बी इज ऑल्सो राइट. बट ये क्या है, ये शायद इसरो का है क्या क्वेश्चन, ये मेरे को लगता है ये इसरो PYQ है. अब आपको देखिए बड़े सिमिलर ऑप्शंस मिले हैं, नाउ यू हैव टू गो अहेड विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. तो बी इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट, बट सी इज मोर अप्रोप्रिएट. फाइन, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92. एक्सपेंशन रेशियो चाहिए मुझे, एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है. चेंज इन हाइट ऑफ सैंपल अपॉन ओरिजिनल हाइट ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100.
क्या क्या वैल्यूज गिवन है, 0.125 अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, वैल्यू दे दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 92 देख रही हूँ मैं आपके लिए, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 92 देख रही हूँ। सॉल्व करने पे मुझे दिख रहा है वैल्यू पॉइंट पॉइंट वन है ना, हाँ पॉइंट वन, आप बताइए। राइट धनंजय गुप्ता, क्वेश्चन रीड करने पे पता चल रहा है वैल्यूज पुट करेंगे तो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड्स, बेसिक स्टेटमेंट है आपको याद होना चाहिए 93। एक्सपेंशन जॉइंट इज प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड्स व्हाट, 10 मीटर, 35 मीटर, 15 मीटर, 45 मीटर और नन ऑफ द अबव। एक्सपेंशन जॉइंट कब प्रोवाइड करते हैं, राइट इट इफ इट एक्सीड्स 45 मीटर, नन ऑफ द अबव कैसे हो गया, ठीक है इफ इट अब एक्सीड्स 45 मीटर। आगे आइए, इन अ सीबीआर टेस्ट इफ द सीबीआर वैल्यू एट 5 mm इज ग्रेटर देन एट 2.5 mm। देखिए सीबीआर टेस्ट रिकॉल करिए और मुझे पता चला कि मेरा जो सीबीआर टेस्ट का वैल्यू है वो 5 mm पे क्या आ रहा है, इट इज ग्रेटर देन द वैल्यू दैट इज कमिंग एट 2.5 mm। बताइए क्या करेंगे, द हायर वैल्यू विल बी चूजन, द टेस्ट विल बी रिपीटेड, एवरेज वैल्यू ऑफ द टू चूजन, नन ऑफ दिस। देखिए कुछ ना कुछ तो होगा तो नन ऑफ दिस नहीं है, एवरेज लेने वाली बात आपने कहीं सीबीआर में नहीं की होगी। हायर वैल्यू चूज कर लेंगे या टेस्ट को रिपीट करेंगे बताइए, हायर वैल्यू चूज करेंगे या टेस्ट को रिपीट करेंगे बताइए। एग्जैक्टली द टेस्ट शुड बी रिपीटेड, हाँ टेस्ट रिपीट करने के बाद भी सेम रिजल्ट आ गया तो क्या करोगे बता दो, टेस्ट रिपीट होने के बाद भी सेम रिजल्ट आ गया तब क्या करेंगे बताइए मुझे, अभी तो रिपीट किया आपने, रिपीट करने के बाद भी सेम रिजल्ट आ गया। जल्दी बताओ, हायर वैल्यू ठीक है 5 mm वाली वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95। एज पर IRC मैक्सिमम लोड ऑफ एक्सल ऑफ अ व्हीकल शुड नॉट एक्सीड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 95 रीड करते ही पता चल जाना चाहिए, 5 mm ही यूज कर लेंगे, राइट। चलिए आगे बताइए, एज पर IRC मैक्सिमम लोड ऑफ एक्सल ऑफ व्हीकल शुड नॉट एक्सीड, जल्दी बताइए, मैक्सिमम लोड ऑफ एक्सल ऑफ व्हीकल शुड नॉट एक्सीड। सागर गलत हो रहा है, यूनिट कन्वर्जन ध्यान से देखिए, गलत है सागर। गौरव राइट, सिविल वर्ल्ड राइट, राइट करेक्ट। पिंटू शर्मा, अगर टन्स में वैल्यू गिवन होती तो आपको पता होना चाहिए वैल्यू 8.17 टन्स होगा, ठीक है केजीज में गिवन है 8170 kg। आ जाइए, द लोड ट्रांसफर टू लोअर लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज बाय, क्वेश्चन नंबर 96 है ये, ठीक है द लोड ट्रांसफर टू लोअर लेवल इन, हाँ फ्लेक्सिबल पेवमेंट पे लोड ट्रांसफर कैसा है, वेरी इजी, हाँ ग्राम में भी कन्वर्ट कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सिविल वर्ड ग्राम में आ जाएगा ऑप्शन, ऐसा नहीं होने वाला है। बताइए फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड ट्रांसफर कैसा होने वाला है, रीड करते ही ऑप्शन दिखेगा और तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम वन ग्रेन टू
अनदर ग्रेन लोड का ट्रांसफर होता है व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लेक्सिबल पेमेंट. करेक्ट एवरीवन. आ जाइए 97 में. इट इज कस्टमरी टू डिजाइन द थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट फॉर. फाइन, रीड करिए थोड़ा, किनके किनके लिए आप डिजाइन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 97. रिजिट के लिए प्लेट एक्शन. फाइन, सागर गुप्ता ने बोल दिया है लोड प्लस टेम्परेचर स्ट्रेसेस. ठीक है, ऐसा कर देती हूँ, ऐसा है ना. अच्छा, सागर गुप्ता ने पिछला ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर के लिए बताया है. ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बताइए मुझे, इस क्वेश्चन के लिए बताइए मुझे कि आप थिकनेस जो डिजाइन करते हैं सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए वो किसके लिए करते हैं. सिर्फ टेम्परेचर स्ट्रेस को डील करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोड स्ट्रेस को डील करने के लिए, या लोड प्लस टेम्परेचर स्ट्रेस को डील करने के लिए, या लोड प्लस फ्रिक्शनल स्ट्रेस को डील करने के लिए. आपको पता होगा कि लोड और टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे विंटर में अलग और समर में अलग, वो सब हमको डील करने होते हैं, लोड प्लस टेम्परेचर स्ट्रेसेस. आइए, ये वही बात हो गई जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, ये सेम क्वेश्चन आ गया आपके सामने. रीड करिए. इफ द सीबीआर वैल्यू ऑब्टेन एट 5 mm पेनिट्रेशन इज हायर देन दी 2.5, 25 नहीं है, 2.5 mm, देन टेस्ट इज रिपीटेड फॉर चेकिंग. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, प्रीवियस वाला. इफ चेक टेस्ट रिवील्स सिमिलर ट्रेंड देन सीबीआर वैल्यू विल बी रिपोर्टेड एस. जो भी आपने मुझे रिप्लाई दिया वही बता दीजिए जल्दी से. मीन ऑफ द वैल्यूज, देखिए मीन वीन कहीं नहीं निकलना है, तो एवरेज मीन ये तो उड़ा ही दो. हायर वैल्यू ऑब्टेन्ड एट 5 mm, हायर वैल्यू माइनस द लोअर वैल्यू, कुछ माइनस माइनस नहीं होना है. लोअर वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm पेनिट्रेशन. बताइए सी या डी में से क्या ऑप्शन है राइट. आपने अगर टेस्ट किया और 5 mm में आपको ज़्यादा वैल्यू मिली, तो आपने टेस्ट रिपीट किया, रिपीट करने के बाद भी 5 mm में ही आपको ज़्यादा वैल्यू मिली, तो आप हायर वैल्यू ऑब्टेन्ड एट 25 mm ही लेंगे. सिविल वर्ल्ड, बस फ्यू क्वेश्चन आर लेफ्ट, क्वेश्चन निपटाएंगे एंड देन आई विल हैव द ब्रेक. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 98 में आ जाइए. 98 तो था, 99 में आ जाइए. इफ द लोड रैपिंग एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस इन अ सीमेंट कंक्रीट स्लैब आर 210, 290 एंड 10 न्यूटन पर mm, द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन फॉर समर मिड डे पूछा है. अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछा है, बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, कैलसी की जरूरत नहीं होती है इसमें. आपसे पूछ दिया है लोड रैपिंग एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस. लोड स्ट्रेस कितना गिवन है, थोड़ा नोट करती हूँ आपके लिए. लोड स्ट्रेस की वैल्यू है 210 न्यूटन पर mm स्क्वायर. फाइन, और रैपिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे क्वेश्चन में, 290 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर. फाइन, और हमारे पास है फ्रिक्शनल स्ट्रेस. फ्रिक्शनल स्ट्रेस की वैल्यू है, मुझे चाहिए क्रिटिकल कॉम्बिनेशन. ओके, स्ट्रेस का क्रिटिकल कॉम्बिनेशन किस कंडीशन के लिए मुझे चाहिए, समर मिड डे के लिए. देखिए दो सिचुएशंस अराइज होती हैं, एक समर और एक होता है आपके पास क्या, विंटर, है ना. एक होगा समर और एक होगा विंटर, दोनों के लिए दो दो केसेस आपको सॉल्व करने हैं. अगर आप बात करोगे समर के लिए, तो देखिए आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सॉल्व करना पड़ेगा. अगर आप सॉल्व करोगे विंटर के लिए, तो आपको ए और बी सॉल्व करना पड़ेगा. विंटर अभी मुझे देखना ही नहीं है, विंटर हटा दो अभी. क्वेश्चन में मुझसे समर पूछा है. समर में देखिए आपको पहला कंडीशन क्या चाहिए, पहले कंडीशन में आपको लोड स्ट्रेस लेना होगा, रैपिंग लेना होगा, और उसे माइनस करना होगा फ्रिक्शनल स्ट्रेस को. ठीक है, चलिए ए में होगा आपका 210 लोड स्ट्रेस प्लस रैपिंग स्ट्रेस 290, माइनस करना होगा 10 को. देखिए आपकी क्या वैल्यू आ रही है, मुझे बता पाएंगे क्या आप, यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से आप बता पाएंगे क्या. आप बोलोगे मैम वैल्यू 490 आ रही है. फाइन, दूसरा केस इसी में क्या है, स्ट्रेस फॉर कॉर्नर रीजन, दैट इज लोड स्ट्रेस प्लस रैपिंग स्ट्रेस लेना है. ठीक है, सेकेंड है आपके पास लोड स्ट्रेस, दैट इज लोड स्ट्रेस प्लस रैपिंग स्ट्रेस 290, वैल्यू आ रही है 500, है ना. बता दो मुझे कि आप क्रिटिकल किसको लोगे, 490 को लोगे या 500 को लोगे क्रिटिकल, बोलो. दो वैल्यूज आ गई आपकी, समर के लिए दो आई, सिमिलरली विंटर के लिए दो आती हैं आपके पास. तो समर के लिए जब दो वैल्यूज आई आपके लिए, तो आप इनमें से क्रिटिकल किसको लोगे, दो वैल्यूज आई ना, 490 को क्रिटिकल लोगे, याद रखना. ये लो, जो वैल्यू कम आई आप उसको क्रिटिकल ले लेंगे.
यहाँ पे 490 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैंने आपको दे दी है वैल्यूज। चलिए आगे मूव करते हैं। द क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन कॉर्नर रीजन। अच्छा अभी देखा है हम लोगों ने, फिर से आप बता दीजिए एक बार। अभी देखा हम लोगों ने, एक बार और बता दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 100। हंड्रेड का आपने बोला है सी, 100 के लिए बोला है सी आपने, ए नहीं होगा धनंजय। ढंग से रीड करिए। सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइक दिस विल लीड टू नोवेयर इफ कॉन्सेप्ट्स आर नॉट नोन टू स्टूडेंट्स, सो थिंक ऑफ अ मैराथन ऑन हाईवे। सी आई हैव ऑलरेडी टेकन मैराथन्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्टील स्ट्रक्चर्स, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो अहेड विद द मैराथन सेशंस। ये सेशंस PYQ फाइनल टाइम रिविजन के लिए डील कर रहे हैं। जिन लोगों ने चीज़ें पढ़ ली हैं थेरेटिकली, उनके लिए यहाँ आके प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम है आपके एग्जाम के लिए अभी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSCJEE। बहुत कम टाइम है, यू हैव नो टाइम टू रीड न्यू थिंग्स नाउ। जो आपने पढ़ लिया है उसका रिविजन करना ही आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। ज़्यादा नए सब्जेक्ट्स, ज़्यादा नए टॉपिक्स देखने का अब आपके पास टाइम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ PYQ एंड टेस्ट सीरीज इफ़ यू वॉन्ट टू गो अहेड विथ, सिर्फ ये दो चीज़ें अभी आपके पास बची हैं। वंस वी आर डन विथ SSCJEE एंड देन वेन आई विल बी प्लानिंग अ फुल फ्लेजेड कोर्स फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, डेफिनेटली सारे कोर्सेज का, सारे ही सब्जेक्ट का डिटेल्ड कोर्स, डिटेल्ड डिस्कशन होगा एंड देन विल बी स्विचिंग टू PYQ। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिकॉज आई हैव नो टाइम एंड इवन यू हैव नो टाइम टू डिस्कस ऑल दी चैप्टर्स एंड देन गो अहेड विद द PYQ, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम सबके पास कहीं ना कहीं से एक थ्योरी शॉर्ट नोट्स PDF अवेलेबल होंगे टेलीग्राम पे, उनको रीड करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना ही आपके पास एक ऑप्शन बचा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यू हैव नो टाइम टू स्टडी एनीथिंग न्यू, ठीक है। इसीलिए हमारे पास फुल फ्लेजेड कोर्सेज इस पॉइंट पे नहीं हो रहे हैं। इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ हम PYQs लगा रहे हैं SSCJEE 2023 के लिए। फर्दर जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए आई विल बी प्लानिंग अ फुल फ्लेजेड कोर्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और सब कुछ यूट्यूब पे होगा, आपके लिए होगा और आप इन्फॉर्म्ड होंगे। आइए, हाँ हम क्वेश्चन नंबर 100 देख रहे थे। सी लोड स्ट्रेस प्लस रैपिंग स्ट्रेस, फाइन। 101 में आ जाइए। वेबस्टर मेथड इज यूज्ड फॉर, रीड करते ही आपको समझ में आ गया होगा, बताइए। रोड मार्किंग के लिए यूज करते हैं, ट्रैफिक बता रही हूं आपको, ट्रैफिक इंजीनियरिंग बता रही हूं आपको। रोड मार्किंग के लिए, मार्किंग सेंटर लाइन ऑफ द रोड के लिए, डिटरमाइनिंग डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए, डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम सिग्नल सिस्टम के लिए। डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम सिग्नल सिस्टम के लिए, या ऑप्शन हो सकता था टू डिज़ाइन दी ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है, ये भी ऑप्शन हो सकता था। आपके पास ऑप्शन गिवन है डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल, 100+ बोला था मैंने सिविल वर्ल्ड, ठीक है। या तो आपके पास ऑप्शन हो सकता था डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल, या आपके पास ऑप्शन हो सकता था फॉर डिजाइनिंग दी ट्रैफिक सिग्नल। क्या सिर्फ वेबस्टर मेथड ही है इसके लिए? क्या सिर्फ वेबस्टर मेथड ही है? नहीं, इसके साथ वेबस्टर मेथड के साथ आपको एक और मेथड है सेम चीज़ फाइंड करने के लिए, अप्रॉक्सीमेट मेथड। देन आपके पास है IRC मेथड, ठीक है। तो ये सारे भी डिफरेंट नेम्स हैं किसके लिए, ट्रैफिक सिग्नल डिटरमाइन करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, फाइन। ट्रायल साइकिल मेथड, ये सारे मेथड्स हैं आपके पास ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल डिज़ाइन करने के लिए, या इसी को बोल दीजिए ट्रैफिक सिग्नल डिज़ाइन करने के लिए। आ जाइए 102।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर कंडक्टिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी. कौन सा इसमें से मेथड नहीं है, रीड करते ही आपको पता चल जाएगा. देखिए, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करते क्यों हैं हम लोग? दिस स्टडी इज असेंशियल फॉर प्लानिंग न्यू हाईवे फैसिलिटीज़, है ना. न्यू हाईवे फैसिलिटीज़ को प्लान करना हो या जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उन्हीं को अपग्रेड करना हो, उन सब के लिए इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन. और इसके लिए हम लोग कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं बताइए. ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में और क्या क्या बोलते हैं इसको? इसको करते हैं हम रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड से, रोड साइड इंटरव्यू मेथड से, टैग ऑन कार मेथड से, नंबर प्लेट ऑन व्हीकल मेथड से, होम इंटरव्यू मेथड से. ठीक है, होम इंटरव्यू मेथड यहाँ कहीं है क्या? हाँ, रोड साइड इंटरव्यू है, होम इंटरव्यू मेथड से. तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के लिए. कोई नया अपग्रेडेशन करना हो या एग्जिस्टिंग जो आपका ट्रैफिक है उसमें इम्प्रूवमेंट करना हो, इनके लिए मैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ करती हूँ. बट ट्रैपेजॉइडल मेथड जैसा कोई भी मेथड नहीं होता है. फाइन, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 103 में आ जाइए. ऑन अ सिंगल लेन रोड इन वन डायरेक्शन, इफ द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल इज 10 मीटर, देन वॉट इज द डेंसिटी? देन वॉट इज द डेंसिटी बताइए मुझे. 103 के लिए डेंसिटी दे दीजिए मुझे. बेसिकली आपसे जैम डेंसिटी पूछ रहा है. आपने एक ही डेंसिटी पढ़ी होगी ट्रैफिक में, जैम डेंसिटी. कुछ याद आ रहा है क्या? जैम डेंसिटी थाउजेंड अपॉन एवरेज स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल्स. बताइए, एवरेज स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल दिख रहा है क्या? हाँ, 10 मीटर गिवन है. 1000 अपॉन 10, 100 होना चाहिए जैम डेंसिटी. वैल्यू है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे आइए, रीड करते ही पता चल जाएगा. एनोस्कोप इज यूज फॉर मेजरिंग. बताइए, 104. रनिंग स्पीड नहीं, टाइम मीन स्पीड, ओवरऑल स्पीड या स्पॉट स्पीड? वेरी नाइस, स्पॉट स्पीड फाइंड करने के लिए. एनोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्पॉट स्पीड. क्या कोई और इंस्ट्रूमेंट का नाम याद है क्या? नहीं याद है तो याद दिला देती हूँ, रडार गन. और किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम याद आ रहा है तो बता दीजिएगा, नोट कर लेंगे. ठीक है, रडार गन इज ऑल्सो यूज फॉर फाइंडिंग द स्पॉट स्पीड. टाइम लैप्स मेथड, इससे भी स्पॉट स्पीड ही निकालते हैं. इसी को अप्रोक्सीमेट मेथड बोलते हैं आई गेस. फाइन, 105 बताइए. ऑन हाईवेज द साइन ऑफ डेड स्लो इज अ 105. इंफॉर्मेशन साइन किसने बोला है यार? मोहसिन, आई डोंट थिंक इट्स इंफॉर्मेशन साइन. बताइए, डेड स्लो ऑन अ हाईवे 105. प्रखर ने बोला है वार्निंग, पिंटू ने बोला है बी वार्निंग, धनंजय ने बोला है रेगुलेटरी. अच्छा, सिविल वर्ल्ड ने बोला है रेगुलेटरी. यस, ये बात याद रखेंगे. डेड स्लो इज अ रेगुलेटरी साइन. रेगुलेटरी का मतलब आपको पता होना चाहिए. रेगुलेटरी बोले तो मैंडेटरी साइन. नहीं फॉलो करेंगे, चार्जेस लगेंगे आपके ऊपर. फाइन, चार्जेस लगेंगे. थोड़ा सा शेप के बारे में बता पाएंगे क्या आप मुझे? मुझे बता दीजिए कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन साइन है तो उसका शेप क्या होने वाला है.
इन्फॉर्मेशन साइन साइन जो लगा होता है आपके पास, उसका शेप क्या होता है थोड़ा सा बता पाएंगे क्या? इन्फॉर्मेशन साइन का शेप बता दीजिए मुझे। और वार्निंग साइन का भी शेप बता दीजिएगा मुझे। वेरी नाइस, रेक्टेंगुलर, इन्फॉर्मेशन का रेक्टेंगुलर। और वार्निंग के लिए बता दीजिए। ट्रायंगुलर, राइट, फाइन। चलिए आगे मूव करिए। द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल इन ट्रैफिक स्ट्रीम इज 50 मीटर। द डेंसिटी, अच्छा जैम डेंसिटी फिर से पूछ दिया आपसे। जैम डेंसिटी सेम चीज है, 1000 अपॉन एवरेज स्पेसिंग। एवरेज स्पेसिंग कितनी गिवन है? 50 गिवन है, 20 वैल्यू है आगे आपके पास, 20। चलिए आगे मूव करिए। इक्विवेलेंट फैक्टर पूछा है आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। किसी भी टाइप ऑफ व्हीकल के लिए इक्विवेलेंट फैक्टर पूछ देगा, ठीक है। इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ पैसेंजर कार यूनिट फॉर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इज, जल्दी से बता देंगे। सॉरी, हाँ बताइए। 0.5 बोल रहे हैं सबके सब। सी, फाइन, करेक्ट। मैंने बोला मोटरसाइकिल के लिए या स्कूटर के लिए 0.5 है। ये देखिए आपके पास पैसेंजर कार यूनिट की पूरी वैल्यूज दी है मैंने। किसी के लिए भी पूछ लेगा आपसे, पैसेंजर कार, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, जीप, वैन के लिए पूछा तो 1, और अगर ट्रक बस वगैरह के लिए पूछेगा तो आपको वैल्यू समझ में आनी चाहिए। रिस्पेक्टिवली आपके पास अलग अलग वैल्यूज गिवन होगी, प्रेस करके रखना रहेगा। मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड साइकिल के लिए पूछा था जो आपके पास पीछे ऑप्शन था, तो दैट वॉज 0.5, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में क्लियरली आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपके लिए स्विच करती हूँ। द एंट्रेंस एंड एग्जिट कर्व ऑफ अ मैंडेटरी, सॉरी मैंडेटरी नहीं है, द एंट्रेंस एंड एग्जिट कर्व ऑफ अ रोटरी हैव इक्वल रेडियल एंड इक्वल विथ ऑफ अ पेवमेंट। ऑप्शन नंबर ए, आगे मूव करिए। ऑप्शन नंबर ए, बी इक्वल रेडियल बट पेवमेंट विथ इज मोर एट एंट्रेंस दैट एट एग्जिट कर्व। हंड्रेड एंड नाइन्थ बताइएगा आप मुझे। 109th, द एंट्रेंस एंड एग्जिट कर्व ऑफ अ रोटरी हैव ए बी सी डी इक्वल रेडियल एंड इक्वल विथ ऑफ पेवमेंट। इक्वल रेडियल बट पेवमेंट विथ इज मोर एट एंट्रेंस देन एट एग्जिट कर्व। इक्वल पेवमेंट विथ बट रेडियस इज मोर एट एंट्रेंस कर्व देन एट एग्जिट कर्व। डिफरेंट रेडियाई एंड डिफरेंट विथ ऑफ पेवमेंट, जल्दी बताइएगा। 109, डिफरेंट रेडियाई एंड डिफरेंट विथ ऑफ द पेवमेंट, वेरी नाइस। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 110th पे। जल्दी से रीड करेंगे और मुझे वैल्यूज बता देंगे। जल्दी बताइए। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क्ड विथ, बेसिक क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल, मुझे पता था कि कोई ना कोई यहाँ पे एक 45 डिग्री बोलेगा, बट आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट 45 डिग्री। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट 45 डिग्री। वापस से रीड करिए और बताइए मुझे। इट इज़ नॉट 45 डिग्री। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन बी पार्क्ड विथ परपेंडिकुलर, पैरेलल पार्क करिए। किसने बोला पैरेलल पार्क करिए? किसने बोला पैरेलल पार्क करिए?
बिल्कुल पैरेलल पार्किंग नहीं होने वाली है, 90 डिग्री एंगल पार्किंग करिएगा, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क्ड। आ गई बात समझ में? व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक फ्लो बिकम्स जीरो, क्वेश्चन नंबर, अच्छा आपके लिए मैंने स्विच नहीं किया है क्या, अभी कर देती हूँ, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक फ्लो बिकम्स जीरो, जल्दी बताइएगा। हाँ वो चलेगा, हाँ पैरेलल पार्किंग डिफरेंट कंडीशंस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी रीड करिए। व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक फ्लो बिकम्स जीरो, ऑप्शन ए ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम बोथ अटेन रिस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यूज, ऑप्शन सी ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम बोथ बिकम जीरो, ट्रैफिक डेंसिटी बिकम जीरो वेयर ट्रैफिक वॉल्यूम अटेन्स इट्स मैक्सिमम वॉल, गड़बड़ हो गया क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू वेर एज ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम्स जीरो। एक मिनट दीजिएगा मुझे, फाइन कोई कमेंट किया, स्टूडियो वाले भैया बोल रहे हैं बस करो, भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं, 12 बजे के लगे, ठीक है चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बस लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं आपके पास, लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं आपके पास। द मोस्ट एफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम इज, सबसे एफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम बता दीजिए मुझे सबसे पहले। और व्हेन अ नंबर ऑफ रोड्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट एंड ओनली वन ऑफ द रोड इज इंपॉर्टेंट देन द सूटेबल शेप इज, देखिए शेप ऑफ रोटरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, शेप ऑफ रोटरी इज एन इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ठीक है ये देख लीजिए सबसे पहले। बताइए ऑप्शन, 112 के लिए सी बोल रहे हैं, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ इट, मैं थोड़ा सा सपोर्ट में नहीं हूँ, एक बार वापस से रीड करिए, ठीक है हाँ इजी होता है पार करना, एक बार वापस से रीड करिए। 113 113 के लिए जल्दी से बता दीजिए। जल्दी बताइए यहाँ पे 112 के लिए मुझे दे दीजिए जल्दी से। वन वन टू 113 चलिए बताइए। सॉरी रियली सॉरी, जल्दी से बता दो यार मेरे लास्ट क्वेश्चन से मुझे जाना है। अरे चैट ऊपर चला जाएगा तो मैं कैसे देखूंगी क्या हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ ऑप्शन, मुझे बता दीजिए आप 112 एंड 113।
द मोस्ट एफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम इज, सबसे एफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम अगर चाहिए आपको ना, तो आपको पता होना चाहिए इट इज सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम, पहली चीज. दूसरी आपसे पूछा था मैंने, व्हेन अ नंबर ऑफ रोड्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट एंड ओनली वन ऑफ द रोड इज इंपॉर्टेंट, देन द सूटेबल शेप ऑफ द रोटरी इज, बताइए. व्हेन अ नंबर ऑफ रोड्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट एंड द ओनली वन ऑफ द रोड इज इंपॉर्टेंट, देन द सूटेबल शेप ऑफ रोटरी इज, जल्दी बताइए, रीड करिए ऑप्शन. नहीं, मैं बहुत हंसती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, पहली बार हंसी हूँ. लेकिन हम कोशिश कर रहे थे एक क्लिप शूट करने की, आज शॉर्ट्स डालना था, लेकिन वो क्लिप शूट नहीं हो पाई, इसीलिए हंसी आ गई मुझे. कोई कैमरा ऑन करता है तो कॉन्शियस हो जाता है ना इंसान, वही हुआ. सिंपल नहीं होना चाहिए, टेंजेंशियल भी, टेंजेंशियल, हाँ 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 टेंजेंशियल, इलिप्टिकल नहीं होगा, टेंजेंशियल होगा. ठीक है, सूटेबल शेप है रोटरी के लिए, इलिप्टिकल होगा, बी. फाइन, सॉरी, इलिप्टिकल नहीं, टेंजेंशियल, बी. फाइन, चलिए, आई थिंक वी आर डन विथ ऑल द पी वाई क्यूज. हाँ, जितने भी इम्पोर्टेंट, अच्छा नहीं, और भी यहाँ पे पी वाई क्यूज हैं. ठीक है, ये लास्ट का भी कुछ देख लेते हैं. ट्रैफिक कंफ्लिक्ट दैट मे ऑकर इन रोटरी इंटरसेक्शंस आर, एक बार रीड करके बता दीजिए मुझे. द ट्रैफिक कंफ्लिक्ट दैट मे ऑकर इन रोटरी इंटरसेक्शंस आर, जल्दी बताइए. 114, टेंजेंशियल होना चाहिए सिविल वर्ल्ड, मुझे टेंजेंशियल लग रहा है. एक बार अगर आप बोल रहे हो तो मैं रीचेक कर लूंगी, नॉट एन इशू. जल्दी से बता दीजिए मुझे, ये चाहिए मुझे 114 के लिए. एग्जैक्टली करेक्ट, डी के डी इज करेक्ट, धनंजय इज करेक्ट, मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग इज द करेक्ट ऑप्शन. आ जाइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम आर द साइकिल लेंथ एंड साइकिल डिवीजन आर ऑटोमेटिकली वेरीड, जल्दी से देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. आई विल चेक सिविल वर्ल्ड, डोंट वरी, अभी पीडीएफ आपको आएगा तो एक बार सारे करेक्शंस होते हैं, जो भी अगर मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक की होगी तो करेक्शन के बाद अपडेटेड पीडीएफ ही आपके पास आएगा. आई लुक फॉरवर्ड इन दैट. मेरे को क्लिक टेंजेंशियल कर रहा है, आई ऑल्सो नीड टू चेक. 115 के लिए डी बोल रहे हैं, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम. ओके, आई वॉन्ट अदर पीपल टू ऑल्सो रिवर्ट, आई वॉन्ट अदर पीपल टू ऑल्सो रिवर्ट. अभी अभी 2 मिनट हैं, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम, राइट राइट. तो हम लोगों ने यहाँ पे रिस्पेक्टिव जितने भी मेरे को लगता था एक्सपेक्टेड पी वाई क्यू जो आपके हो सकते थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं, और आपको पीडीएफ अभी आ जाएगा. ठीक है, और पीडीएफ अभी आपको आ जाएगा, पीडीएफ में कुछ बेसिक अगर करेक्शंस करने हुए तो कर लेंगे. अच्छा, अभी यहाँ पे टू वे टू लेन की कुछ बात हो रही थी, टू वे टू लेन है अगर ना, तो आपका एसएसडी मिनिमम विल बी इक्वल टू एसएसडी, टू टाइम्स एसएसडी नहीं होता है. तो अगर वो टू टाइम्स एसएसडी नहीं है तो शायद हमने उसको 2x60 किया था, वो 2x60 नहीं होगा, वो ओनली 60 होगा, वो देख लेंगे. दूसरी बात जो हम लोगों ने देखी, सारे इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हो सकते थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं. आपके लिए अभी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप और ज़्यादा जितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं उतने लगा लीजिए. यहाँ का सारा पीडीएफ आपके पास आ जाएगा. इसके बाद आप टेस्ट सीरीज देते रहिए, मैंने बोला है आपको टेस्ट बुक्स, आपको टेस्ट सीरीज दिलाने हैं, आरसीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में कोडल प्रोविजन आपके पास पीडीएफ में आ जाएंगे. फाइन, इसके अलावा आपको कुछ करना है? नहीं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा बस दैट विल बी मोर देन इनफ. अगर कोई डाउट है तो मुझसे डाउट पूछ सकते हैं आप. 116 वाला भी कर दो, ये बहुत ही बेसिक है, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, आप बता दीजिए मुझे, बहुत ही सिंपल है, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, नहीं शूट हुआ तो. हाँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना. टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपके जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स वहाँ पे ज्वाइन हैं जो आपको हेल्प करेंगे फॉर रेस्पेक्टिव जितनी भी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, किसी डाउट में या कोई फॉर्म नहीं फिल हुआ, कहीं पर कोई दिक्कत आ गई तो वो सारी चीज़ें देख लेंगे अपन, कहीं कुछ रिजेक्ट हो रहा है या कुछ, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन रहेंगे, मैं वहाँ रहूँगी, मेरी सारी पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल पर आती हैं.
आप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा, ग्रुप में आप भी मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन। ये पूरा पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। सो वी आर डन विथ ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप कि आपके लिए टाइम बेनिफिशियल रहा होगा, ये पूरा का पूरा सेशन बेनिफिशियल होगा। इफ़ यू फील दैट वेज तो प्लीज़ ये वीडियो को रिस्पेक्टिव लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट आई गेट दी क्या मैं बोलूँ, बूस्ट ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, एंड येस आई विल बी सींग यू वेरी वेरी सून। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी आपका ये आ गया और RCC का PDF आपके पास आ जाएगा। इसके बाद सेशन कब होगा मैं इसकी अश्योरिटी आपको नहीं दे सकती, बट डेफिनेटली मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके पास अवेलेबल रहूँगी आपके एग्जाम तक, सो डोंट वरी अबाउट दैट। स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल के लिए बहुत सारे डाउट्स और रिक्वेस्ट आ रहे थे, मैं उसका इंपॉर्टेंट फार्मूला शीट आपको एक दो दिन में फॉरवर्ड कर दूंगी, सो दैट यू कैन रिवाइज एवरीथिंग। फाइन, सो येस टिल देन टेक केयर। RCC का PDF अभी आ जाएगा आपके पास, आई मीन इट विल बी अपलोडेड बाय टुनाइट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पिंटू शर्मा, आई हेल फ्रॉम पटना बट आई एम करंटली इन छत्तीसगढ़। फाइन, चलिए ठीक है। मैम आपकी SSC किस डेट को है? मेरी SSC है ही नहीं, आई एम नॉट अपियरिंग फॉर एनी टेक्निकल एग्जाम्स। ठीक है, आप सबकी SSC जिस दिन होगी, मेरा भी SSC उसी दिन होगा। ठीक है, सो गिव योर बेस्ट शॉट एंड कीप द हसल गोइंग। ऑल्सो वन एग्जाम और वन पेपर विल नॉट बी डिटरमाइनिंग योर फ्यूचर, बट देन यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट। अपने हिसाब से आप अपना फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन करिए, बेस्ट पोटेंशियल पे काम करिए, आगे जो भी डेस्टिनी में होगा वो होगा। एंड इफ़ यू आर वर्किंग रियली हार्ड इन द राइट डायरेक्शन, नोबडी कैन स्टॉप यू। ये एग्जाम नहीं, कोई और एग्जाम सही, बट आपका प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड चलना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, लॉयल रहने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी लॉयल टू योर सेल्फ। आप अपना फुल स्ट्रेंथ लगा के प्रिपरेशन करिए, सो दैट कि अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं भी काम करी तो रिग्रेट ना हो आपको लाइफ में किसी भी चीज़ का। ठीक है, बिकॉज रिग्रेट से ज़्यादा बुरा कोई फीलिंग नहीं होती है। इवन फेलियर भी उतना बुरा फील नहीं कराता है जितना रिग्रेट फील कराता है। तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए दैट यू वेस्टेड योर टाइम या आपने सही से यूटिलाइज नहीं किया। आप रिग्रेट का कोई पॉइंट मत छोड़िएगा, आगे जो होना होगा वो देखा जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड रखिए, मुझसे जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपको इस एंड से करती रहूँगी। ग्रुप में जो लोग हैं वो आपको हेल्प करते रहेंगे। आई एम इन कॉन्स्टेंट टच विथ ऑल ऑफ यू। अभी एक बार SSC JEE हो जाए तो फिर हम एक बेटर प्लान के साथ उतरेंगे YouTube में, सो दैट आप एक बहुत ही प्रिपेयर्ड मैनर में प्रिपरेशन शुरू कर सकें आगे रिस्पेक्टिवली। जो भी एग्जाम्स होंगे आपके स्टेट के या सेंट्रल के, वो टेंशन की बात नहीं है, बस आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। ठीक है, गर्ल्स फेवरेट वर्ड इज़ लॉयल। ऐसी कोई बात नहीं है, आई मीन टू से आपको अभी किसी भी इंसान के लिए लॉयल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ आपके आपके लिए आपके साथ होनी चाहिए, आपके प्रिपरेशन के साथ होनी चाहिए। दैट्स इट, यू हैव टू बी वेरी वेरी लॉयल टू योर सेल्फ। अपना पूरा का पूरा टाइम सही जगह पे, अपना पूरा का पूरा क्या मैं बोलूँ, स्ट्रेंथ सही जगह पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन या कहीं और इमोशंस इन्वेस्ट करने का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू दैट। ठीक है, यू हैव गॉट दी होल लाइफ टू be distracted or be involved in various other activities, but इस point of time पर I think the most important thing is कि आपको अपने preparation पर बहुत ध्यान देना है। SSC JEE के बाद आपके बहुत सारे exams lined up होंगे, keeping the fingers crossed, बहुत सारी opportunity और आपके सामने आने वाली हैं, तो उन सबके लिए आपको अपने preparation को top notch रखना है। ठीक है, so yes I will see you all very very soon। मैम गेट के लिए भी कुछ स्टार्ट करिए, गेट के लिए ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स में बहुत कुछ चल तो रहा है। लेट्स सी एक बार SSC JEE हो जाए, मैं देखती हूँ मैं अपने एंड से क्या क्या कर सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, डेफिनेटली SSC का एग्जाम देना है, GD द टेक्निकल किंग। आप टेस्ट सीरीज और देते रहिए, रिविजन करते रहिए और थोड़ा सा फेथ रखिए अपने प्रिपरेशन पे। दैट्स इट, एग्जाम लेकिन देना ही है और प्रिपरेशन रखिएगा अपने किस पे, अपने अटेम्प्ट पे। दैट्स इट, आप कॉन्फिडेंस रखिए, इस टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कॉन्शियस रह के, बहुत ही ध्यान देके क्वेश्चंस रीड करिए और सही ऑप्शंस को चूज़ करके लगाइएगा। ऑप्शंस पूरे रीड करना इंपॉर्टेंट है।
एसएससी में अटेम्प्ट कितना करना है, कट ऑफ कितना जाएगा, इन सारी बातों के लिए मैं आपके पास वापस से आने वाली हूँ एक दिन। वो शायद लाइव वीडियो ना हो, रिकॉर्डेड वीडियो होगा। मैं वहाँ से आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगी। मिस्टेक्स नॉट टू मेक इन एसएससी जेईई एग्ज़ाम, मेरे को मेरा टाइटल थंबनेल पता है। वो वीडियो आपके पास आएगी एग्ज़ाम के आई थिंक 2 या 3 दिन पहले। नॉन टेक वीडियो होगा, सिर्फ आपको आइडिया दूंगी मैं कि कितना अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं अपने एंड से, जो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन या प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, तो आपको ये पता होना चाहिए। फाइन, कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कुछ भी नहीं सोचना है कट ऑफ के बारे में, आपको कुछ भी नहीं सोचना है क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं, ये सारी प्लानिंग हो जाएगी विथ टाइम। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और अपना प्रिसीजन बढ़ाना है, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। दैट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। वैसे भी पेपर टू हमारे लिए बिल्कुल चेंज हो गया, द फॉर्मेट इज़ वेरी वेरी न्यू, तो पेपर नंबर टू के लिए प्रिपरेशन का थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वैसे भी चेंज करना है अब अपन को। तो पेपर वन के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरा फोकस दीजिए। आई होप कि आपके रिवीजन नॉन टेक में भी उतने ही अच्छे से चल रहे होंगे। मैं नॉन टेक में इन्वॉल्व नहीं हूँ इसलिए कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ आपको, बट टेक्निकल के लिए तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने पढ़ा है। एटलीस्ट पीपल हु आर इन्वॉल्व इन माई टेलीग्राम चैनल, उनके रिस्पॉन्स समझ में आता है दैट दे हैव इन्वेस्टेड एंड इन्वेस्टेड देयर टाइम। फाइन मैम, टेक्निकल में सब्जेक्ट प्रेफरेंस बता दीजिए। टेक्निकल में सब्जेक्ट प्रेफरेंस मैंने आपको पहले ही एक शीट दी हुई है प्रीवियस ईयर मार्किंग के हिसाब से, तो आपको मार्क देख के समझ में आना चाहिए कि आपको किसको पहले अटेम्प्ट करना है। वैसे अगर मैं बोलूँ तो कोर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। कोर सब्जेक्ट्स में आपके पास दोनों ही कोडल प्रोविजन आरसीसी और सीमेंट स्टील, देन आपके पास होना चाहिए आपका सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे, ये सारे आपके कोर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं एंड एनवायरमेंट। उसके बाद आप ऑल्सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी आपका कोर में आ जाएगा इफ़ यू टॉक अबाउट एसएससी जेईई गेट में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप देखेंगे एनवायरनमेंट, हाईवे और वो आपका सेकेंड हाफ जो आपका चैप्टर बचे उन सबको। जी के जी एस के लिए भी कुछ बता दीजिए। मैं नॉन टेक पे ज़्यादा कमेंट नहीं करती हूँ गौरव। मैंने एक डिस्कशन वीडियो बनाया है आपके साथ, वहाँ से आप देखिएगा। मैंने तो सिर्फ बोला था कि लूसेंट को जितने से ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं उतना पढ़िएगा, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर एसएससी जेईई। और मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है अगर आपको लूसेंट बहुत अच्छे से आती है या अरिहंत बहुत अच्छे से पता है, तो आप एक कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल से एक स्टेप ऊपर ऐसे भी उठ जाते हैं। ठीक है, उसके आगे की चीज़ें फिर थोड़ा सा लक बेस्ड हो जाती हैं। ऑल्सो आपको क्या करना है, मैंने बोला था कि आपको वन लाइनर जितने भी आपके पास करंट अफेयर्स हैं वो देखने ही हैं। करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा रहेगा एसएससी जेईई में, और ज़्यादा रहेगा तो आपको पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट एसएससी जेईई के करंट अफेयर्स नहीं आते हैं। आपको कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इकोनॉमिक स्टडीज़ नहीं करना है, रोज़ की स्ट्रैटेजी जाके देख के डिटेल्ड स्टडी नहीं करनी होती है यूपीएससी लेवल पे, कि सब कुछ रिलेट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, रिलेट कर रहे हैं एनवायरमेंट से। मुझे लगता है कि डायरेक्ट जो वन लाइनर्स होंगे वही होंगे डायरेक्ट स्पोर्ट्स के लिए। अभी आपको पता शायद एशियन गेम्स से तो क्वेश्चन ना आए आपके लिए, बट स्टिल आपके स्पोर्ट्स के ऑनर्स के लिए आ जाएंगे, बुक एंड ऑथर्स से आ जाएंगे, न्यू बुक्स जितनी रिलीज हुई हैं कुछ नई। आपको पता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स से क्वेश्चन दिखेंगे आपको, G20 से क्वेश्चन दिखेगा आपको, तो ये सारे वन लाइनर्स मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दिए हैं। तो लास्ट 8 मंथ का तो करंट अफेयर्स देखना ही देखना है अपन को। फाइन, इतनी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड तो नहीं आ रहा। रीजनिंग के लिए मैंने बोला था कि आपको रीजनिंग के लिए, रीजनिंग कैन बी योर स्ट्रेंथ, तो रीजनिंग के लिए आपको एक एक चैप्टर करके सब कुछ सॉल्व करना था। आपने आई होप किया होगा, नहीं भी किया होगा तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ एक इंजीनियर से कि वो एक डिसेंट नंबर रीजनिंग में लेके आएगा। फाइन, चलो ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एवरी वन। आई विल बी कनेक्टेड टू ऑल ऑफ यू इन माई टेलीग्राम चैनल। टिल देन टेक केयर, कीप द हसल गोइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गिव योर बेस्ट शॉट एंड बाकी सब छोड़ दीजिए, डेस्टिनी में देखेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन।